यहाँ पे सब ठीक है। दार्जिलिंग यहाँ पे ठीक लग रहा है सब। आज आप क्यों नाराज़ लग रहे हो? कुछ खास? नींद पूरी नहीं हो रही है? ख्वाब पूरे नहीं हो रहे? ठीक, सब ठीक है ना? चलो यहाँ पे ठीक है, पीछे भी सब ठीक है। रोको, सब ठीक है सर। हाँ, खुश रहो बस आप। ठीक है, चलो लास्ट में सब ठीक है। यहाँ पे भी सब ठीक है, यहाँ पे भी सब ठीक है, यहाँ पे सब ठीक है। चलो, यस वी विल, लेट्स रिवाइज दिस पर्टिकुलर चैप्टर विच टॉक्स अबाउट अकाउंटिंग ऑफ IFRS, अकाउंटिंग ऑफ मर्जर्स एंड अमलगमेशंस। अगर हम इस चैप्टर की बात करते हैं, दिस इज अनदर अनदर वन ऑफ दोज चैप्टर, दिस इज अनदर चैप्टर जिसके अंदर यू आर एक्सपेक्टेड टू हैव अ गुड वर्किंग नॉलेज ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ये हमारा कोर चैप्टर नहीं है, लेकिन इसके अंदर बात की जाती है कि कोई भी मर्जर और अमलगमेशन हो रहा है तो उसको आप रिकॉर्ड कैसे करेंगे अपने बुक्स के अंदर, एकदम आसान तरीके से। इस चैप्टर के अंदर हमने कुछ बहुत बड़े बड़े भयंकर से चार्ट्स बना लिए थे, तो सबसे पहले हम उन दोनों चार्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। वंस द 2-3 चार्ट्स आर डिस्कस्ड, फिर हमने इस चैप्टर को कुछ 14 क्वेश्चंस में डिवाइड कर दिया है। तो इस चैप्टर को पढ़ने का तरीका क्या है? 3 चार्ट्स एंड देन 14 क्वेश्चंस। इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द 3 चार्ट्स, यू आर एबल टू आंसर द 14 क्वेश्चंस, यू सुपर सॉर्टेड, यू विल बी एबल टू हैंडल एनी क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन। सबसे पहले चार्ट की ओर देखते हैं। चार्ट 1, यस, ये लिंक क्लिक होना। हाँ रुक जाओ, हमारे पास तो ये चार्ट इसमें भी मिल जाएगा। जल्दी से जाते हैं चैप्टर नंबर 6। यस, पूरी क्लास का फोकस यहां पे। यहां पर आपको 2 स्टैंडर्ड्स पढ़ने हैं, एक पढ़ना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 और एक पढ़ना होगा इंड AS 103। तो हम सबसे पहले विदाउट थिंकिंग ऑफ इंड AS 103, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट AS 14। इस चैप्टर के अंदर बताया गया है कि अमालगमेशन और मर्जर की अकाउंटिंग कैसे करेंगे एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। 100% फोकस है यहां पे। अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन, सबसे पहले कहता है कि आप देखो कि कौन से टाइप का अमलगमेशन है। व्हाट इज द टाइप ऑफ अमलगमेशन? अमलगमेशन कुड बी इन द नेचर ऑफ मर्जर और इट कुड बी इन द नेचर ऑफ परचेज। वेरी इजी, अगर ये 5 गुण हैं आपके अमलगमेशन में, देन इट इज अमलगमेशन द नेचर ऑफ मर्जर। ये पांचों फीचर 1+2+3+4+5, 5 ऑफ देम शुड बी देयर। अगर पांचों के पांचों हैं, देन इट इज अमलगमेशन द नेचर ऑफ मर्जर। इनमें से एक भी मिसिंग है, इट विल बिकम अमलगमेशन द नेचर ऑफ परचेस। तो सबसे पहले अमलगमेशन द नेचर ऑफ मर्जर बनने के लिए यू नीड टू हैव दीज 5 कंडीशन। क्या? पहला, ऑल द असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी शुड बिकम द असेट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी। इसको हम कहते हैं संपूर्ण समर्पण। अगर संपूर्ण समर्पण है तो वो होगा अमलगमेशन द नेचर ऑफ मर्जर। ऑल द असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ ट्रांसफरर कंपनी बिकम्स द असेट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी। शेयर होल्डिंग, शेयर होल्डर्स होल्डिंग 90% इक्विटी शेयर्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी बिकम्स द शेयर होल्डर ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। थर्ड, शेयर होल्डर्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी हु अग्रीज टू बिकम शेयर होल्डर ऑफ ट्रांसफरी कंपनी, दे शुड बी डिस्चार्ज बाय होली बाय इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी एक्सेप्ट फॉर फ्रैक्शन। मतलब जो लोग अग्री हो गए कि हाँ हाँ हमें चलेगा, हमें ट्रांसफरी कंपनी के शेयर्स दे दो, उनको ये नहीं कि आप पैसे में पे ऑफ कर रहे हो। दे शुड बी पेड इन शेयर्स ओनली। हाँ, जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो आप दे सकते हो कैश में, कि शेयर एक्सचेंज रेशियो के हिसाब से आ रहा है कि मुझे मिलने चाहिए 15.5 शेयर्स, तो 15 शेयर 0.5 के लिए दे दो कैश, ये अलाउड है। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है कि सारे के सारे असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ ट्रांसफरर विल बिकम असेट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ ट्रांसफरी। दूसरा हो जाता है कि एटलीस्ट 90% ऑफ द शेयर्स ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ द ट्रांसफरर बिकम्स द शेयर होल्डर ऑफ ट्रांसफरी। ये जो 90% शेयर होल्डर अग्री हुए हैं, इसके अंदर इनको पे ऑफ करना चाहिए आपने। किस तरह से? दे शुड बी पेड इन शेयर्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी एंड नॉट इन कैश, सिर्फ फ्रैक्शनल के लिए कैश। उसके बाद में बिजनेस ऑफ ट्रांसफरर कंपनी शुड बी कैरिड ऑन बाय ट्रांसफरी कंपनी एंड नो एडजस्टमेंट इन बुक वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। जो इस वैल्यू पे बुक्स में दिख रहे हैं उसी वैल्यू पे ट्रांसफरी की बुक्स में आने चाहिए। ये 5 कंडीशंस हैं जो आपको कंप्लाई करनी होती है। काफी आसान 5 कंडीशंस हैं। देखते हैं क्या 5 कंडीशन। पहला, असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी बिकम्स द असेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। शेयर होल्डर्स holding 90% shares in the transferor company should be ready to become shareholders of transferee company and they should be paid in shares of transferee company. ठीक है साहब। उसके बाद, the business of transferor company should be carried on by the transferee company and last is that the assets and liabilities of transferor company should be recorded in the books of transferee company at their book value with no adjustment. अगर ये 5 कंडीशन सेटिस्फाइड है तो ये होगा amalgamation in the nature of merger. Otherwise, अगर इफ एनी ऑफ द कंडीशन, एक भी कंडीशन ऑफ अमंग द 5 स्पेसिफाइड कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, इट विल बी अमलगमेशन द नेचर ऑफ परचेज। चलो ठीक है साहब, सबसे पहले ये पार्ट हो गया। जनरली पढ़ते टाइम हमने ऐसे ही पढ़ा था,
रिविजन भी ऐसे ही करेंगे कि हमने सबसे पहले पढ़ लिया था कि दो तरीके से अकाउंटिंग हो सकती है. एक होता है अकाउंटिंग का पहला तरीका, उसे क्या बोलेंगे, मेथड का नाम क्या है, एक होगा पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, एक होता है पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, और दूसरा होता है परचेज मेथड. अब दोनों की अकाउंटिंग में क्या, यही तो कोर पढ़ना है हमको, लेकिन उसके पहले हम बैकग्राउंड पढ़ रहे हैं कि कब पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड यूज होगा और कब परचेज मेथड यूज होगा. काफी आसान है, ये डिपेंड करता है कि अकाउंटिंग कैसे करनी है, ये डिपेंड करता है, संभालेंगे अपने आपको, कि अमलगमेशन कैसा है. अगर अमलगमेशन है इन द नेचर ऑफ मर्जर, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 सारी कंडीशन कंप्लाई की है, अमलगमेशन इज द नेचर ऑफ मर्जर, देन यू विल बी फॉलोइंग फॉर अकाउंटिंग पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड. बट इफ द अमलगमेशन इज इन द नेचर ऑफ परचेज, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 में से कोई एक भी कंडीशन अगर कंप्लाइड नहीं है तो आप आ जाओगे इन द नेचर ऑफ परचेज, तो उसके अंदर मेथड हो जाएगा परचेज मेथड. ये AS 14 में स्टेप वन, ये समझ में आता है तो हम स्टेप टू पे जा सकते हैं. स्टेप वन क्लियर होना चाहिए सबसे पहले कि सर कब होगा पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड और कब होगा परचेज मेथड, ये डिपेंड करता है आपका अमलगमेशन कौन सा, अमलगमेशन इज द नेचर ऑफ मर्जर और अमलगमेशन इज द नेचर ऑफ परचेज. लाइफ इज इजी. अमलगमेशन विल बी कंसिडर्ड एज अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर इफ द 5 कंडीशंस आर सैटिस्फाइड. द असेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ ट्रांसफरर कंपनी बिकम्स असेट एंड लायबिलिटी ऑफ कंपनी, एटलीस्ट 90% ऑफ द शेयरहोल्डर्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी शुड बिकम शेयरहोल्डर्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी, एंड द शेयरहोल्डर्स हु आर अग्रीइंग शुड बी पेड होली इन शेयर्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी. बिजनेस ऑफ ट्रांसफरर कंपनी विल बी कैरिड ऑन बाय ट्रांसफरी कंपनी, एंड द लास्ट इज no adjustment in the book value of assets. The assets and liability of transferor company will be carried at their book value in the books of transferee company. बहुत आसान. अब आता है कोर कि सर आखिर पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड क्या है और परचेज मेथड क्या है. फोकस यार 100%. चलो पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड ये क्या कहता है कि अगर ये दो कंपनीज की बैलेंस शीट है, ये ए लिमिटेड की बैलेंस शीट है, बी लिमिटेड की बैलेंस शीट है, ये दोनों के अंदर कंटेंट दे रखा है. अमलगमेशन में हम कह रहे हैं बी लिमिटेड विल इशू फ्रेश शेयर्स फॉर 55 लाख टू द शेयर होल्डर्स ऑफ ए लिमिटेड टू अक्वायर ए लिमिटेड. बी लिमिटेड ए लिमिटेड को अक्वायर कर रहा है, ट्रांसफरी कंपनी है बी लिमिटेड, और वो ए लिमिटेड को ये पूरी बैलेंस शीट अक्वायर करने के बदले दे रहा है कितना, 55 लाख. ए लिमिटेड विल बी डिसॉल्व पोस्ट अमलगमेशन. उसके बाद में बैलेंस शीट कुछ ऐसी बनेगी कि हमने टोटल असेट्स का तो टोटल कर लिया और उसके बाद में जो भी हमें डिफरेंस दिख रहा था यहां पे वो हमने जनरल रिजर्व के अंदर ले लिया. 100% फोकस यहां पे. देयर आर 4 पॉइंट्स दैट वी हैव टू कीप इन माइंड इफ इट इज अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर व्हेन वी आर यूजिंग पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड. 4 पॉइंट. पहला पॉइंट, ओनली मिनिमल चेंजेस मेड. कि आपको मिनिमल चेंजेस करना है, सारे असेट्स एंड लाइबिलिटीज विल बी कैरिड एट देयर बुक वैल्यू. सबको बुक वैल्यू पे लेना है, मिनिमल चेंजेस करने हैं. पॉइंट नंबर 2, द असेट्स लाइबिलिटीज, साथ में क्या लिखा है, रिजर्व्स. असेट्स लाइबिलिटीज रिजर्व्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी विल बी रिकॉर्डेड एट देयर कैरिंग अमाउंट, बुक वैल्यू पे आएगा. ठीक है सर, पहला पॉइंट मिनिमल चेंजेस विल बी डन, सेकंड पॉइंट असेट्स लाइबिलिटीज रिजर्व विल बी कैरिड एट देयर बुक वैल्यू. ठीक है सर, थर्ड स्पेसिफिकली रिजर्व्स के बारे में, द बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी विल बी एडेड टू द पीएनएल अकाउंट ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी. सर ये तो रिजर्व्स में कवर है, हाँ एक्सप्रेसली बोला है, बिकॉज पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में और जो परचेज मेथड है उसमें रिजर्व्स का डिफरेंस होता है, तो उन्होंने क्लियरली बोला कि रिजर्व्स विल बी कैरिड, इवन पीएनएल अकाउंट विल बी कैरिड एंड एडेड टू द पीएनएल अकाउंट ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी. और फिर आता है आखिरी 4th पॉइंट, द डिफरेंस बिटवीन द शेयर कैपिटल ऑफ ट्रांसफरर कंपनी एंड द कंसिडरेशन पेड टू ट्रांसफरर कंपनी. वापस एक बार, ट्रांसफरर कंपनी का जो एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल था और जो उनको हमने कंसिडरेशन पे किया है उसका जो भी डिफरेंस होगा हैज टू बी एडजस्टेड इन रिजर्व्स. हमने अगर ज्यादा पैसा दिया तो ये जो नुकसान हुआ ये भी रिजर्व में एडजस्ट होगा, हमने अगर कम पैसा दिया और जो प्रॉफिट हुआ ये भी रिजर्व्स में एडजस्ट होगा. द डिफरेंस बिटवीन द शेयर कैपिटल ऑफ ट्रांसफरर कंपनी एंड द कंसिडरेशन पेड विल बी एडजस्टेड इन रिजर्व्स. हमने इसको बहुत खोद खोद के पढ़ा था और ये पूरा हमने यहां पे क्लास में कंक्लूड करके बनाया था. एट द एंड ऑफ द डे आपको ये 4 पॉइंट याद रखने, हाँ पूरा कंक्लूड करके बनाया था. एंड नाउ इफ वी आर रिमेंबरिंग दीज 4 पॉइंट्स, हम एग्जाम के क्वेश्चन को बहुत आराम से आंसर कर पाएंगे. 4 पॉइंट्स क्या हैं एक बार वापस, इफ अमलगमेशन इज इन द नेचर ऑफ मर्जर वी गो फॉर पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड. AS 14 चल रहा है. पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड सेज देयर आर 4 कंडीशन. फर्स्ट, मिनिमल एडजस्टमेंट टू बी मेड. द असेट्स लायबिलिटीज रिजर्व्स विल बी कैरिड एट बुक वैल्यू इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी. थर्ड, इवन द
PNL account of the transferer company will be carried to PNL account, will be added to the PNL account of transferee company. And last, the difference between the share capital of transferer company and consideration paid will be adjusted in reserves. वो हम reserves के अंदर adjust करेंगे. Are we getting a fair idea? चलो साहब, याद आ रहा है सबको? उसके बाद में, if they have conflicting accounting policies, uniform policies to be adopted, any effect on financial statement to be reported as prior period item and changes in accounting policies as per ES 5. ठीक है, उसके बाद FAQs पे बाद में आते हैं. ये हो गया आपका pooling of interest method, ये चार point. वहीं पे अगर मैं आता हूँ, amalgamation in the nature of purchase, कि अगर ये amalgamation in the nature of purchase है, तो उसके अंदर method होगा purchase method, उसमें भी दोनों की balance sheet है, एकदम आराम से, और यहाँ पे भी same है, कि ये आ रहे हैं द फेयर वैल्यू ऑफ द असेट इज एज फॉलोज. सर फेयर वैल्यू क्यों बता रहे हो? वहां पे तो नहीं बताया था. दैट इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड एंड द परचेज मेथड, कि यहां पर असेट्स एंड लाइबिलिटीज विल बी रिकॉर्डेड एट देयर फेयर वैल्यू. चलो देखते हैं. फिर हमने बैलेंस शीट बनाई थी, जिस बैलेंस शीट के अंदर ये पूरा का पूरा इनको मर्ज करके लिख दिया था. क्या डिफरेंसेस है? मेन पॉइंट है यहां पे सिर्फ मात्र केवल तीन चार, वही चार पॉइंट हमने कनेक्ट करने के लिए बना दिया है. वैसे तीन पॉइंट है. सबसे पहला, assets liabilities of transferer company will be recorded at their fair value. पिछले पॉइंट में जब हम बात कर रहे थे pooling of interest method, वहां पे हमने लिखा था assets liabilities and reserves will be carried at their book value. यहां पे assets and liabilities will be carried at their fair value. ये सबसे पहला और सबसे बड़ा difference. उसके बाद में दूसरा point, the reserves of transferer company will not be carried to the financial statements of transferee company except statutory reserves. Statutory reserves को हम carry कर सकते हैं, otherwise किसी भी reserve को हम carry नहीं कर सकते. Statutory reserve generally income tax act या किसी भी act ने कह दिया ये आपको compulsorily maintain करके रखना पड़ेगा, फिर इससे आपको pay off करना है. तो अगर ऐसा कोई statutory reserve है तो वो carry करेंगे, otherwise reserve carry नहीं होते. सर दो बड़े difference मिल गए, बस ये दो ही हैं. Statutory reserve will be carried, otherwise nothing else will be carried. उसके बाद में आया, if statutory reserve is to be carried to the balance sheet, the corresponding debit to be given to suitable head, example amalgamation adjustment account. याद आ रहा है ना? अब आप reserve ला रहे हो, लेकिन reserve को valuation में impact नहीं चाहिए, तो आप debit में, आप credit में अगर reserve लाते हो, तो आपको debit में भी कुछ तो चाहिए. तो अगर आप balance sheet के अंदर liability side के अंदर लाना चाहते हो reserves, तो यहाँ पे कुछ तो लाना पड़ेगा. तो एक temporary account बना देते हैं हम, example amalgamation adjustment account. जिस दिन रिजर्व पे ऑफ होगा, इसकी भी काउंटर एंट्री होगी और ये दोनों को हम साइड में निकाल देंगे एकदम मस्ती से. तो ये दूसरा पॉइंट हो गया रिजर्व्स को रिलेटेड. और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, इफ द कंसिडरेशन पेड इज लोअर देन द नेट वैल्यू ऑफ असेट अक्वायर्ड, इफ द कंसिडरेशन पेड इज लेस देन द नेट वैल्यू ऑफ असेट अक्वायर्ड, कि हमने असेट अक्वायर किया 1 करोड़ का और कंसिडरेशन पे किया 90 लाख की, तो हमारा फायदा हुआ है. द डिफरेंस विल बी एडजस्टेड इन capital reserve. The difference will be treated as capital reserve. But if the consideration paid is higher than the net asset acquired, then the difference will be treated as goodwill. हमने logically भी इसको पढ़ा था, क्योंकि हम अगर ज्यादा पैसा दे रहे हैं तो ज्यादा पैसा हम किस बात का दे रहे हैं? Goodwill का ही तो दे रहे हैं. और अगर हम कम दे रहे हैं तो हमें तो रिजर्व में और फायदा हो गया. एंड ये हो गया चार पॉइंट. सबसे पहले किसी भी स्टूडेंट का टारगेट होना चाहिए कि चार पॉइंट अच्छे समझ ले दोनों के, तभी इस चैप्टर में आगे जाया जा सकता है. दिस इज द सेकंड स्टेप. तो अगर सेकंड स्टेप पे चढ़ना है तो आपको क्लियर होना चाहिए कि पूलिंग ऑफ, फर्स्ट स्टेप में समझ लिया कि पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड यूज होता है मर्जर के केस में और परचेज मेथड यूज होता है परचेज के केस में. डन फर्स्ट स्टेप. सेकंड स्टेप, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड के चार पॉइंट क्या हैं और परचेज मेथड के चार पॉइंट क्या हैं. पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड के चार पॉइंट, मिनिमल एडजस्टमेंट हैज टू बी मेड, assets, liabilities, reserves to be carried at book value. Third point, even PNL account of the transferer company will be added to PNL account of transferee company. Any difference between, रुकना मैं एक बार बोलता हूं, any difference between the share capital of the transferer company and the consideration paid will be adjusted in reserves. ज्यादा या कम जो भी होगा reserves में adjust हो जाएगा, story over. ये हो गए चार पॉइंट. वापस एक बार बोल रहा हूं, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड के मिनिमल एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड, असेट्स लायबिलिटीज एंड रिजर्व्स विल बी कैरीड एट बुक वैल्यू, इवन पीएनएल अकाउंट ऑफ ट्रांसफरर कंपनी विल बी कैरीड टू ट्रांसफरी कंपनी, कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है. और लास्टली लेकर आ जाते हैं हम क्या पॉइंट, दैट जो भी डिफरेंस होगा, डिफरेंस बिटवीन द शेयर कैपिटल ऑफ ट्रांसफरर कंपनी एंड द कंसिडरेशन पेड विल बी एडजस्टेड इन रिजर्व्स. ये चार पॉइंट सबसे पहले कंठस्थ हो जाने चाहिए, तब हम आगे बढ़ पाते हैं. फिर आते हैं चार पॉइंट ऑफ परचेज मेथड. परचेज मेथड के चार पॉइंट क्या है, खुद से एक बार देखें. सबसे पहला पॉइंट आ जाएगा द असेट्स लायबिलिटीज, रिजर्व्स नहीं आएगा. द असेट्स लायबिलिटीज ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी विल बी रिकॉर्डेड एट
फेयर वैल्यू, ओ फेयर वैल्यू पे हाँ। दूसरा, रिजर्व्स विल नॉट बी कैरीड फ्रॉम ट्रांसफर टू ट्रांसफर एक्सेप्ट फॉर स्टैट्यूटरी रिजर्व। तीसरा पॉइंट, सिंस वी आर कैरिंग स्टैट्यूटरी रिजर्व टू द बैलेंस शीट, वी नीड अ करस्पॉन्डिंग एंट्री, सो वी विल टेम्पररली मेक अकाउंट, एग्जाम्पल अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट। और लास्ट फोर्थ पॉइंट, अब ये केयरफुली, इफ द कंसिडरेशन पेड इज हायर, ले लेता हूं पहले, इफ द कंसिडरेशन पेड इज हायर देन द नेट असेट अक्वायर्ड, द डिफरेंस विल बी ट्रीटेड एज गुडविल। हमने 100 करोड़ दिए और 80 करोड़ के असेट्स मिले, 20 करोड़ का हो गया गुडविल। बट इफ द कंसिडरेशन पेड इज लोअर देन द नेट असेट अक्वायर्ड, द डिफरेंस विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल रिजर्व। अगर ये 4 और 4 हमें अच्छे से पता है तो हम सेकेंड स्टेप पे सॉर्टेड है। तो फर्स्ट स्टेप क्लियर होता है, सेकेंड स्टेप क्लियर होता है, दिस इज ऑल अबाउट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। चलो उसके बाद में अगर मैं बात करता हूं तो इसी प्रकार से आया हमारे पास इंड AS 103। अब दिमाग में अच्छे से समझाना, ये हो गया AS 14 के दो मेथड, मर्जर या फिर परचेज है। मर्जर में होगा पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड और परचेज है तो उसमें होगा परचेज मेथड। यहां पर आता है बुक वैल्यू, यहां पर आता है फेयर वैल्यू, यहां पर रिजर्व भी लेते हैं, वहां पर रिजर्व को नहीं लेते हैं, यहां पर डिफरेंस पूरा का पूरा रिजर्व में आता है, वहां पर डिफरेंस अगर आपने ज्यादा पैसे दिए हैं तो गुडविल क्रिएट हो जाता है, कम पैसे दिए तो कैपिटल रिजर्व क्रिएट हो जाता है। आर वी अंडरस्टैंड? AS 14 खत्म। अब आता है दुनिया थोड़ा सा बदल के इंड AS 103। ये IFRS से मोटिवेट होके बना था तो इन्होंने बेस अपना रखा ही नहीं है, उन्होंने बेस ही चेंज कर दिया। इनका कहना है दो टाइप के अमलगमेशन हो सकते हैं। वन, कॉमन कंट्रोल बिजनेस एक्विजिशन, कॉमन कंट्रोल बिजनेस एक्विजिशन है, या फिर ऑल अदर केस है। पहले बताओ सर, व्हाट इज कॉमन कंट्रोल बिजनेस एक्विजिशन? वेयर कंबाइनिंग एंटिटीज आर अल्टीमेटली कंट्रोल्ड बाय द सेम पार्टी, जहां पे कंबाइनिंग एंटिटीज प्रैक्टिकली सेम पार्टी से कंट्रोल की जाती है। अगर कंबाइनिंग एंटिटीज आर कंट्रोल विद द सेम पार्टी तो उस केस में उसे कहा जाएगा कॉमन कंट्रोल बिजनेस एक्विजिशन। सिंपल है, वही बात, जैसे कि ए लिमिटेड इज होल्डिंग बी लिमिटेड एज वेल एज सी लिमिटेड। ए लिमिटेड इज अ होल्डिंग कंपनी, बी लिमिटेड इज सब्सिडरी, सी लिमिटेड इज ऑल्सो सब्सिडरी, होली ओन सब्सिडरीज है बी और सी लिमिटेड। बी और सी के बीच में मर्जर होगा, ये भी तो कॉमन कंट्रोल में हो रहा है। सिंपल, ए और बी के मर्जर होगा, ये भी कॉमन कंट्रोल में हो रहा है। ए और सी में मर्जर होगा, अभी भी कॉमन कंट्रोल में हो रहा है। पूरा कंट्रोल मेरे ही पास है, बस हम अलग अलग तरह से बिजनेस कर रहे थे, अब उसको मर्ज करके कर रहे हैं। इस प्रकार के ट्रांजैक्शन को कहा जाता है कॉमन कंट्रोल बिजनेस एक्विजिशन, वेयर कंबाइनिंग एंटिटीज आर अल्टीमेटली कंट्रोल्ड बाय सेम पार्टी बोथ बिफोर एंड आफ्टर द बिजनेस कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन के पहले भी मेरा कंट्रोल था, कॉम्बिनेशन के बाद भी मेरा कंट्रोल है, बिजनेस कॉम्बिनेशन। इसके लिए यूज किया जाएगा पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। बट रुकना, इसे आप सेम मत समझ लेना जो हमने पिछला वाला पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड पढ़ा है। दिस इज पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड एज पर इंड AS 103। इनके क्या रूल है? पहला, द असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ कंबाइनिंग एंटिटीज आर रिफ्लेक्टेड एट कैरिंग अमाउंट, मतलब बुक वैल्यू। सर सेम, वंडरफुल। द बैलेंस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग इज एग्रीगेटेड विद द बैलेंस ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। वहां पे क्या था? PNL अकाउंट, यहां पे रिटेन्ड अर्निंग। लैंग्वेज चेंज है, कंसेप्ट सेम। तीसरा, द रिजर्व ऑफ ट्रांसफरर इज ऑल्सो ट्रांसफर टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। सेम, तीन पॉइंट जो हमें मिले थे, तीनों के तीनों पॉइंट यहां पे हमको मिल चुके हैं एकदम आराम से। इन्होंने तीन तरह से इस प्रकार से लिखा है, बस वहां पे हमने एक ही पॉइंट में लिख दिया था असेट्स लायबिलिटीज एंड रिजर्व। यहां पे उन्होंने असेट्स एंड लायबिलिटीज का अलग अलग पॉइंट बना दिया कि असेट्स एंड लायबिलिटीज विल बी ट्रांसफर्ड एट देयर कैरिंग वैल्यू, इवन रिटेन्ड अर्निंग विल बी कैरीड, एंड जो रिजर्व हैं, रिजर्व ऑफ ट्रांसफरर विल ऑल्सो बी कैरीड टू द बैलेंस शीट ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड तीन पॉइंट कॉपी पेस्ट है। AS 14 का एक और पॉइंट क्या था? The difference between the share capital of transferor company and consideration paid will be adjusted in reserves. अब ये यहां पे अलग है। The excess of consideration paid over the share capital, difference उन्हीं दोनों का ले रहे हैं, share capital और consideration paid। लेकिन अब इन्होंने रूल लिया है कि अगर excess पे कर रहे हो आप, it will be treated as goodwill, और अगर आप deficiency है, it will be treated as कैपिटल रिजर्व। सर इन्होंने तो क्या कर लिया है, इन्होंने पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड और परचेज मेथड को मिक्स करके एक मेथड बना दिया। ले तो रहे हैं बुक वैल्यू पे, लेकिन जो डिफरेंस है उसको हम सीधा रिजर्व में एडजस्ट नहीं कर रहे हैं। जो एक्सेस होगा तो गुडविल बोलेंगे, अगर कम होगा तो उसको कैपिटल रिजर्व बोलेंगे। विल यू बी एबल टू रिमेंबर दीज फोर पॉइंट्स? दीज आर फोर पॉइंट्स ऑफ पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड अंडर इंड AS 103। तो अभी तक तीन मेथड हो चुके हैं। पहला हो गया पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड एज पर AS 14, फिर हो गया परचेस मेथड एज पर AS 14, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड एज पर इंड AS 103। क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए हर एक के अंदर पॉइंट क्या हो रहा है, ठीक है साहब। इसके बाद में आता है
एक्विजिशन मेथड. अब इन्होंने डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, बस आपको एक कहानी देकर छोड़ दिया यहाँ पे कि व्हाट विल बी दी एक्विजिशन मेथड. अगर मान लेते हैं बात कर रहे हैं इंड एस 103, तो इंड एस 103 के अंदर अगर आप कॉमनली कंट्रोल के अंदर कवर नहीं होते तो उस केस में आपका अमलगमेशन होगा बाय एक्विजिशन मेथड. एक्विजिशन मेथड के 5 स्टेप्स होते हैं. आइडेंटिफाइंग द अक्वायरर, आइडेंटिफाइंग ही बोलेंगे अभी हम, आइडेंटिफाइंग द अक्वायरर, identifying the acquisition date, acquisition date important होती है यहाँ पे, identifying the acquirer, identifying the acquisition date, then identification and measurement of consideration transferred, identification उसके बाद में recognizing and measurement of assets, liabilities and non-controlling interest, and इन दोनों का जो difference होगा recognizing and measuring goodwill और gain from bargain purchase. एक बार शांति से देखते हैं, हमें याद हो जाना चाहिए अच्छे से. देखते हैं identification of acquirer, identification of acquisition date, identification and measurement of consideration paid, determination and measurement of assets, liabilities, non-controlling interest. और ये जो step 3 और step 4 का difference है, identification, determination and measurement of goodwill or gain from bargain purchase. एकदम आराम से एक बार वापस देखते हैं. Identification of acquirer, पहला point, acquirer को identify करना है. Next, identification of acquisition date. उसके बाद में identification and measurement of consideration, जो भी हमने pay किया है. Identification and determination of consideration paid to transferor company. Next is determination and measurement of assets, liabilities, non-controlling interest, जो हमको मिला है. अब इन दोनों का जो difference होगा, that is determination and measurement of goodwill और गेन फ्रॉम बार्गेन परचेज. ये 5 स्टेप मेथड है जिसके अंदर अपन एक्विजिशन मेथड के अंदर कैलकुलेट करते हैं, हमारा अकाउंटिंग होगा. अब ये हम तीसरे स्टेप पे रेडी हो चुके हैं. 3 स्टेप्स हमें पढ़ने हैं. 3 स्टेप्स के लिए क्या होना चाहिए आपको, सबसे पहले AS 14 के अंदर क्लियरली समझ में आना चाहिए कि दो प्रकार के मेथड होते हैं. यहाँ पे 5 पॉइंट्स होते हैं, इन 5 को अग्री करते तो ये मेथड यूज होगा. इनमें से एक भी अगर आपका सेटिस्फाइड नहीं है तो ये मेथड यूज होगा. तो यहाँ पर आता है आपका पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड और यहाँ पे आता है आपका परचेज मेथड. देन यू शुड बी सुपर सॉर्टेड. पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में क्या होता है, परचेज मेथड के अंदर क्या होता है, ये 4 पॉइंट क्लियर है. उसके बाद में आ जाता है हमारा एंड AS 103. वो भी बोलता है कि कॉमनली कंट्रोल बिजनेस एक्टिविटी है तो पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, और अदर केस है तो यहाँ पर एक्विजिशन मेथड. यहां पे पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में अगेन वापस 4 पॉइंट. तो आप लोगों को सबसे पहले ये और ये तो क्लियर होना चाहिए. अरे एक्विजिशन मेथड तो एकदम ही अलग है, तो उसको आप किसी के साथ कंफ्यूज नहीं करोगे, लेकिन इन तीनों को आप कंफ्यूज कर सकते हो. एकदम तीनों क्रिस्टल क्लियर, हमने बहुत खोद खोद के पढ़ा है, आपको इतनी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है. बट एक बार फिर भी लास्ट टाइम पे यहां पर मुझे बताओ, मैं क्वेश्चन पूछूंगा ठीक है ना. इस केस की बात कर रहा हूं, असेट्स एंड लाइबिलिटीज कौन से वैल्यू पाएंगे, बुक वैल्यू पे ठीक है, और यहां पर रिजर्व्स कैरी करेंगे क्या, यस. यहां पर रिजर्व्स कैरी करेंगे क्या, नहीं ठीक है. असेट्स लाइबिलिटीज कैरी करेंगे. यहां पर असेट्स एंड लाइबिलिटीज फेयर वैल्यू पाएंगे, बुक वैल्यू पाएंगे, बुक वैल्यू पाएंगे. यहां पर जो भी डिफरेंस होगा, गुडविल वगैरह क्रिएट होगी क्या, जो होगा प्लस माइनस रिजर्व में डाल देंगे. यहां पे गुडविल क्रिएट हो सकती है, यहां पे भी गुडविल क्रिएट हो सकती है. आर वी अंडरस्टैंडिंग एकदम अच्छे से कि सबसे पहले भाई साहब AS 14, पूरी क्लास का फोकस यहां पे AS, अगर ये आपको कंठस्थ है तब उन क्वेश्चन के आंसर में आपको मजा आएगा, अदरवाइज हर जगह पे हमको कंफ्यूजन ही होगा. तो पहले हमने अच्छे से पढ़ाई, पूरा कंठस्थ होना चाहिए. AS 14 के अंदर 2 मेथड हैं, मर्जर और परचेज. यहां पे 5 कंडीशंस हैं, 5 सेटिस्फाइड हैं तो हम यूज करते हैं मर्जर, मतलब पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड यूज होता है. और अगर इनमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तो यहां पर परचेज मेथड यूज होता है. पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड के भी 4 पॉइंट हैं, परचेज मेथड के भी 4 पॉइंट है. ये हो गया AS 14. उसके बाद में आ जाते हैं हम इंड AS 103. इंड AS 103 के अंदर भी 2 है. अगर आप कॉमनली कंट्रोल्ड बिजनेस कॉम्बिनेशन है तो आपके लिए होगा पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, बट ये पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड इज डिफरेंट फ्रॉम AS 14 का पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड. और अगर आप कॉमनली कंट्रोल्ड बिजनेस एक्टिविटी में एंटिटी में कवर नहीं होते हैं तो आपके लिए है एक्विजिशन मेथड. एक्विजिशन मेथड के अपने 5 पॉइंट है. आर वी अंडरस्टैंडिंग. चल अब अगर मैं यहां पे बोलता हूं, मैं बोलता हूं आप चेक करो मैं सही बोल रहा हूं या नहीं बोल रहा हूं. ये सबसे पहला मेथड है. सबसे पहले अगर ये मर्जर के 5 कंडीशन सेटिस्फाइड हुए तो पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड यूज होगा. पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड कहता है दैट मिनिमल हमें एडजस्टमेंट करना है, हमें
असेट्स, लाइबिलिटीज और रिजर्व सबको हम बुक वैल्यू पे ले आएंगे, रिजर्व्स को भी मतलब पीएनएल अकाउंट को भी हम ले आएंगे ट्रांसफरी कंपनी के अंदर, और जो भी डिफरेंस होगा इन शेयर कैपिटल ऑफ ट्रांसफरर कंपनी एंड द कंसिडरेशन पेड विल बी एडजस्टेड इन रिजर्व्स। सही है। अब फिर आ जाते हैं हम यहां पर, ये बात हो रहा है परचेज मेथड। परचेज मेथड के अंदर फर्दर चार पॉइंट्स इन्होंने दे दिए। परचेज मेथड के अंदर इनका कहना है कि सर यहां पे असेट्स एंड लाइबिलिटीज, रिजर्व्स लूंगा क्या? नहीं, असेट्स एंड लाइबिलिटीज विल बी रिकॉर्डेड एट देयर फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू पे रिजर्व्स विल नॉट बी कैरीड एक्सेप्ट फॉर स्टैट्यूटरी रिजर्व। सिंस वी आर कैरिंग स्टैट्यूटरी रिजर्व, अ करस्पॉन्डिंग एंट्री विल ऑल्सो बी क्रिएटेड अ टेम्पररी अकाउंट अंडर द हेड एग्जाम्पल Amalgamation Adjustment Account. And lastly, the difference between the consideration paid and the assets acquired will be treated as follows. If the consideration paid is in excess of asset acquired, goodwill. If the consideration paid is lower than the asset acquired, capital reserve. Done. Pooling of interest method under Ind AS 103. यहाँ पर सबसे पहले assets, liabilities will be recorded at their book value. Even retained earning of transferor company will be carried at their book value. All the reserves of the transferor company will be carried at their book value. But the difference between the share capital of transferor company and the consideration paid will be treated as follows. If the consideration paid is excess as compared to the share capital of transferor company, then it will be recorded as goodwill. If the consideration paid is less than the share capital of transferor company, then it will be recorded as कैपिटल रिजर्व। आर वी अंडरस्टैंडिंग? ध्यान रखना है, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में हम कंपेयर करते हैं कंसिडरेशन और शेयर कैपिटल ऑफ ट्रांसफरर को, लेकिन जब यहां पर हम थे तब हम कंपेयर करते हैं कंसिडरेशन को नेट असेट अक्वायर्ड से, डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए। बहुत अच्छे से पढ़ा था। और फिर आ जाता है एक्विजिशन मेथड। एक्विजिशन मेथड के पांच हेड्स हैं, बहुत ईजिली याद रहते हैं। पहला, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अक्वायरर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्विजिशन डेट, identification and measurement of consideration, determination and measurement of assets, liabilities and non-controlling interest, and the last one is determination and measurement of goodwill or gain from bargain purchase. सही है, एकदम easy। जो हमारा date है acquisition date का, उसको हम identification भी बोल सकते हैं, बेहतर word है determine, but ठीक है, इसको लेके load नहीं लेना। और ये हुआ हमारा चारों का मेथड पूरा एकदम सुपर सॉर्टेड। ये दो चार्ट्स 100% डन होने चाहिए पहले। ये हम दो तीन स्टेप लेके आगे और बढ़ चुके हैं। अभी आपको परेशान करने के लिए एक और चार्ट आता है, ये लास्ट चार्ट है, चार्ट नंबर 3। ये बताता है व्हाट इज द रीसेंट डेवलपमेंट्स। 103 और AS 14 को कंपेयर करते हैं, बताते हैं कि क्या रीसेंट डेवलपमेंट हुआ है। चलो सबसे पहले मेथड ऑफ अकाउंटिंग। AS 14 हमने पहले पढ़ा, वो कॉमनली कंट्रोल्ड एंटरप्राइज वर एबल टू रिकॉर्ड गुडविल ऑन अमलगमेशन एंड अमोर्टाइज। पहले क्या होता था, जो कॉमनली कंट्रोल थे वो भी गुडविल क्रिएट करके अमोर्टाइज कर रहे थे मजे में। अरे मतलब हमारी होल्डिंग और सब्सिडी मर्ज हो रही है, और अगर हम वो इसको हम ले रहे हैं फ्रॉम परचेज मेथड, समझना अच्छे से। हम अगर AS 14 के हिसाब से आ रहे हैं, पहले इंडेस था ही नहीं ना, पहले तो AS 14 ही चलता था। AS 14 के हिसाब से मान लीजिए होल्डिंग कंपनी और सब्सिडी कंपनी मर्ज हो रही है, परचेज मेथड में आ गई क्योंकि उन पांचों में से एक भी कंडीशन कंप्लाइड नहीं आ रही, बिजनेस नहीं कैरी कर रहे हैं, कोई भी कंडीशन कंप्लाइड नहीं है, और एक कंडीशन कंप्लाइड नहीं है तो हम आ गए परचेज मेथड में। परचेज मेथड में आते ही जो हमारा डिफरेंस है उससे तो हम गुडविल क्रिएट कर सकते हैं और गुडविल को अमोर्टाइज कर सकते हैं। अरे ये तो सरकार देख रही है, क्या कर रहे हो तुम लोग, तुमने अपने बीच में ही एक लायबिलिटी क्रिएट भी कर दी और उसको हर साल खर्चे में चार्ज कर रहे हो। यस, AS 14 अलाउ करता था कॉमनली कंट्रोल एंटरप्राइज वर एबल टू रिकॉर्ड गुडविल ऑन अमलगमेशन एंड अमोर्टाइज, वेयर एज इंड AS 103 गुडविल क्रिएट भी करने देगा लेकिन उसको कभी अमोर्टाइज करने नहीं देगा। तो ये एक लूप होल था जो इंड एस ने आइडेंटिफाई करके हैंडल किया। तो पहले परचेज मेथड के अंदर कॉमनली कंट्रोल एंटरप्राइज के अंदर गुडविल को लेके आप अमोर्टाइज कर सकते थे, इंड एस 103 के अंदर उस गुडविल को अमोर्टाइज करना अलाउड नहीं है। पहला डिफरेंस। दूसरा, जो आपका अपॉइंटेड डेट और इफेक्टिव डेट का जो डिफरेंस है, AS 14 में फोकस वॉज ऑन अपॉइंटेड डेट एंड इफेक्टिव डेट। अपॉइंटेड डेट इफेक्टिव डेट में पे फोकस था, वेयर एज इंड एस 103 नया डेट लाया है एक्विजिशन डेट, उसका पूरा का पूरा फोकस है एक्विजिशन डेट पे। AS 14 का फोकस था अपॉइंटेड डेट इफेक्टिव डेट, कि किस दिन हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मर्ज कर रहे हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किस दिन असेट्स को ला रहे हैं, और इंड एस 103 कहता है नहीं, कंट्रोल किस दिन अक्वायर किया, एक्विजिशन डेट क्या है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंड एस 103 का फोकस है एक्विजिशन डेट पे और AS 14 का पहले फोकस था इफेक्टिव डेट या अपॉइंटेड डेट पे। उसके बाद में आता है अकाउंटिंग फॉर गुडविल। यहां पे अमोर्टाइजेशन अलाउड था AS 14 में, वहां पे अमोर्टाइजेशन अलाउड नहीं है, जैसे कि हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा।
उसके बाद में आए कॉमन कंट्रोल बिजनेस एक्विजिशन. कॉमन कंट्रोल बिजनेस कॉम्बिनेशन कुड बी अकाउंटेड एज पर पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड और परचेज मेथड. वही पॉइंट वापस रिपीट कर रहे हैं कि कॉमनली कंट्रोल वालों को पहले पूलिंग से भी कर सकते थे और आप परचेज से भी कर सकते थे. हमारे तो क्राइटेरिया अलग था ना पांच पॉइंट का, वो पांच पॉइंट सेटिस्फाइड है तो पूलिंग, नहीं है तो परचेज. लेकिन अब ऐसा नहीं है, कॉमनली कंट्रोल्ड मेथड हैज टू बी अकाउंटेड एज पर पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट. प्रैक्टिकली आप देखोगे तीन पॉइंट में एक ही बात बोली जा रही है कि जो कॉमनली कंट्रोल्ड है उनके पास AS 14 में चॉइस था, गुडविल क्रिएट कर सकते थे, अमोर्टाइज कर सकते थे. यहां पे कॉमनली कंट्रोल के पास कोई चॉइस नहीं है, कंपलसरी पूलिंग होगा, गुडविल अमोर्टाइज भी नहीं करने देंगे. ये सब उसके बाद में इंडेमनिफिकेशन ऑफ असेट्स यहां पर है ही नहीं था. इंडेमनिफाइड असेट्स कैन बी रिकॉर्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. यहां पर इंडेमनिफाइड असेट्स को भी रिकॉर्ड करने का ऑप्शन है इंडेस 103 में. उसके बाद में इंटेंजिबल असेट, यहां पर कोई उसका प्रोविजन ही नहीं था. इंटेंजिबल असेट कैन बी रिकॉर्डेड इफ सेटिस्फाइड द सेपरेट क्राइटेरिया, अगर जो उसके रिक्वायर्ड क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है तो जो आपके इंटेंजिबल असेट है उसको भी रिकॉर्ड किया जा सकता है आपके बिजनेस कॉम्बिनेशन के अंदर इंडेस 103 में. तो इंडेस 103 एक मॉडिफाइड है, लेटेस्ट है, तो उसने आपके जो इंडेमनिफाइड असेट्स है उनको भी रिकॉर्ड करने का तरीका ढूंढा है और आपके जो इंटेंजिबल असेट है उनको भी रिकॉर्ड करने का तरीका ढूंढा है. इसके अलावा छोटी छोटी दो चीजें और, इंड एस 102 जो है, इंड एस 103 नहीं 102, द शेयर बेस्ड लाइबिलिटी ऑफ अक्वायरर कंपनी विल बी कंप्लीटेड बाय अक्वायरर एज पर इंड एस 103. ये क्या कह रहे हैं, अक्वायरी कंपनी का कोई शेयर बेस्ड लाइबिलिटी था, मतलब जो कंपनी आप समझो ट्रांसफरर है, जो कंपनी बंद हो रही है उसका कोई शेयर बेस्ड लाइबिलिटी बाकी था, ईसॉप वगैरह बाकी था, तो अब उसको कंप्लाई कौन करने वाली है, अक्वायरर कंपनी, ट्रांसफरी कंपनी. तो जो कंपनी अब कंटिन्यू करेगी वो बंद होने वाली कंपनी के शेयर बेस्ड लाइबिलिटी को भी कंप्लाई करेगी. ये एस इंड एस 102 कहता है. और इंड एस 105 कहता है पोस्ट अमलगमेशन असेट्स हेल्ड फॉर सेल कैन बी रिकॉर्डेड इन अ सेपरेट हेड एज पर इंड एस 105. इंड एस 105 कहता है कि ये कंपनी को अक्वायर करने का जिनके 15 असेट है वो हमारे कुछ काम के नहीं, उसको हम वैसे भी बेचने वाले हैं देर सवेर, उसको आप सेपरेट हेड में रिकॉर्ड कर सकते हो असेट्स हेल्ड फॉर सेल. ये कुछ रिसेंट चेंज हुए हैं आपके अमलगमेशन की अकाउंटिंग के अंदर, ये यहां पे दे रखा है, उसको हम लोगों ने रिकॉर्ड ऐसे किया है. डिफरेंस बिटवीन दीज एंड दीज टू पॉइंट्स, ये रीसेंट डेवलपमेंट हुए हैं जो अमलगमेशन के अकाउंटिंग में हुए हैं. ये अगर आप सबके दिमाग में बैठे हुए हैं तभी हम आगे नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं. तो ये सब सबसे पहले दिमाग में बैठना चाहिए. इस चैप्टर को पढ़ने का जो हमारा तरीका है वो कुछ ऐसा है कि सबसे पहले ये सब अगर बैठ चुके हैं तो उसके बाद में हमने बनाए हैं कुछ 14 क्वेश्चंस. 14 क्वेश्चंस का आंसर आता है तो ये सॉर्टेड, ये पीडीएफ मिल जाएगा. ये पीडीएफ के अंदर सब कुछ दे रखा है, सारे चार्ट जो हमने डिस्कस किए वो सब इस पीडीएफ के अंदर हैं. और यहां से आपका पहला क्वेश्चन शुरू होता है. आप 200% फोकस के साथ में देखो कि आप 14 क्वेश्चंस को आंसर कर पा रहे हैं या नहीं. एंड इफ यू आर एबल टू आंसर द 14 क्वेश्चंस यू आर सुपर सॉर्टेड, यू नो दिस पर्टिकुलर चैप्टर. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अमलगमेशन अंडर एएस 14. छोड़ दो इसको मत देखो, आप खुद ही बताओ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अमलगमेशन. अमलगमेशन द नेचर ऑफ amalgamation in the nature of purchase. When amalgamation will be treated as amalgamation in the nature of purchase, in the nature of merger, if the five conditions are complied. All the five conditions are complied. क्या फाइव कंडीशन है? The assets and liability of the transferor company becomes the assets and liability of transferee company. At least 90% of the shareholders of transferor company becomes the transferee company. The shareholders who are becoming shareholders of the transferee company, they should be paid wholly in shares. ठीक है, उसके बाद में बिजनेस ऑफ ट्रांसफरर कंपनी विल बी कंटिन्यूड बाय बिजनेस ऑफ विल बी कंटिन्यूड बाय ट्रांसफरी कंपनी. एंड लास्ट असेट्स लायबिलिटीज विल बी रिकॉर्डेड एट देयर बुक वैल्यू विदाउट एनी एडजस्टमेंट. ये पांचों कंडीशन अगर आप सेटिस्फाई कर लेते हैं नो प्रॉब्लम, देन यू कैन सिंपली गो अहेड, दिस विल बी अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज. और अगर इनमें से एक भी इन द नेचर ऑफ मर्जर, सॉरी ये पांचों कंडीशन कंप्लाई हो जाती है तो अमलगमेशन द नेचर ऑफ मर्जर. अगर एक भी कंडीशन कंप्लाई नहीं होती अमलगमेशन द नेचर ऑफ परचेज. लाइफ इज ईजी, यहाँ पे ऐसे लिख के दिया हुआ है. ठीक है सर, ये है पांचों कंडीशन कंप्लाइड है, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, एक भी कंप्लाई नहीं होगी अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज. अब सर मेथड कौन सा होगा? अगर ये है अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर देन यू विल बी फॉलोइंग पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, एंड इफ इट इज अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज यू विल बी फॉलोइंग परचेज मेथड. हाउ इज अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर अकाउंटेड एज पर एएस 14? एएस 14 अकाउंट कैसे करता है अमलगमेशन नेचर ऑफ मर्जर, पांचों कंडीशन सेटिस्फाइड वाला. द मेथड इज नोन एज पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड. चार मेथड, मिनिमल एडजस्टमेंट करेंगे, असेट्स लायबिलिटी एज वेल एज रिजर्व्स विल बी कैरिड एट देयर बुक वैल्यू. थर्ड, इवन पीएनएल ऑफ ट्रांसफर कंपनी विल बी कैरिड टू पीएनएल ऑफ ट्रांसफरी कंपनी. एंड लास्ट, द डिफरेंस बिटवीन, याद रखना क्या लिखा, देखो शेयर्स ऑफ ट्रांसफरर
एंड कंसिडरेशन पेड विल बी चार्ज टू रिजर्व. मस्ती में चार पॉइंट. इसके बाद में आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन, हाउ इज अमलगमेशन अकाउंटेड इन द नेचर ऑफ परचेस. द मेथड इज नोन एज परचेस मेथड. इसके भी चार ही पॉइंट है. पहला, असेट्स लाइबिलिटीज रिजर्व बोलूं क्या, असेट्स लाइबिलिटीज विल बी कैरिड एट देयर फेयर वैल्यू. पहला. दूसरा, रिजर्व विल नॉट बी कैरिड इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरिंग कंपनी एक्सेप्ट फॉर स्टैट्यूटरी रिजर्व. इफ द स्टैट्यूटरी रिजर्व इज बीइंग कैरिड अनदर एंट्री हैज टू बी मेड अ टेम्पररी एंट्री अंडर द हेड अंडर एनी हेड एग्जाम्पल अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट. ये भी आपको करना पड़ेगा. और लास्ट, ये इंपॉर्टेंट है, द एक्सेस ऑफ कंसिडरेशन पेड ओवर द नेट असेट अक्वायर्ड विल बी टर्म्ड एज गुडविल एंड विल बी कंसिडर्ड एज गुडविल इन द बुक्स. एंड द deficiency, if the consideration paid is less than the net asset acquired, then the difference will be considered as capital reserve. ये चार point, काफी आसान है, दो questions है ना. तीसरा, what is the treatment of reserve under AS 14? के AS 14 में reserves का treatment क्या है? अब सुनो अच्छे से, if the question is not clear, आपको भावुक होकर सीधा ये नहीं reserves will be carried. इन्होंने क्या पूछा है? AS 14 के हिसाब से reserves का treatment क्या है? ये तो depend करता है. Whether AS 14 के अंदर आप मर्जर वाला है, पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड है, या फिर परचेज वाला परचेज मेथड है, तो हमें दोनों के हिसाब से लिखना होगा. एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है स्पेसिफिक भी आ जाए, हाउ यू विल बी ट्रीटिंग रिजर्व्स इफ अमलगमेशन इज डन एज पर पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड एज पर एएस 14. तो एएस 14 पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, रिजर्व क्या करेंगे, कैरी करेंगे हम पूरे के पूरे. आर वी अंडरस्टैंडिंग? क्वेश्चन अगर स्पेसिफिक हो जाता है आपका कि नहीं साहब अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज है, उसमें रिजर्व्स का क्या करेंगे, रिजर्व्स को कैरी नहीं करेंगे एक्सेप्ट फॉर स्टैट्यूटरी रिजर्व. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये आपको क्लियर रखना है. तो इफ द अमलगमेशन इज एन अमलगमेशन नेचर ऑफ मर्जर, तो फिर रिजर्व्स विल बी कैरीड एट देयर बुक वैल्यू. कैरिंग वैल्यू पे आप ले लो, कोई टेंशन की बात नहीं है. और यहाँ पे डिफरेंस वाली बात भी मैं लिख देता हूँ, इफ देयर इज एनी डिफरेंस इन द कंसिडरेशन पेड एंड द ट्रांसफरर कंपनीज शेयर्स इट विल बी कैरीड टू रिजर्व्स. वो भी एडजस्टमेंट पूरा रिजर्व्स में होगा. दूसरा, if the amalgamation is the nature of purchase, in that case reserves will not be carried except for statutory reserve. Statutory reserve is a reserve, wo likha maine pura. Statutory reserve kya hota hai, kisi act ne banaya hua reserve hota hai, generally income tax act banata hai, but koi aur act bhi bana sakta hai, koi bhi statute ka banaya hua reserve usse kehte hain statutory reserve. wo la rahe hain to respective humko ek entry leni padti hai temporary head mein, jaise ki amalgamation adjustment account. fir jis year mein reserves pay off kar diye, us year mein ye bhi entry hum काउंटर करके खत्म कर लेते हैं. ठीक है, डिफरेंस के बारे में भी यहां पे बात कर लेते हैं. वो भी रिजर्व में एडजस्ट हो सकता है ना, पूरा नहीं होता. इफ द कंसिडरेशन पेड इज हायर देन द नेट असेट अक्वायर्ड, देन द डिफरेंस विल बी चार्ज्ड एज गुडविल. इफ द कंसिडरेशन पेड इज लोअर देन द नेट असेट्स, देन द डिफरेंस विल बी कंसिडर्ड एज कैपिटल रिजर्व. तो वो रिजर्व के अंदर आएगा. आर वी गुड? चल, What is the treatment of goodwill arising in purchase method under AS 14? AS 14 के अंदर अगर goodwill आ जाती है, तो goodwill का treatment कैसे करेंगे? मुझे बताओ कि उसको कितने साल तक हम लेते हैं? ऐसे नहीं बोलना है, सुनो अच्छे से. कितने सालों तक लेते हैं? Over its useful life. आराम से, सीधे 5 years नहीं बोलते हैं. Goodwill will be amortized over its useful life. Useful life तो depend करेगा asset to asset, लेकिन आप चाहे तो इसको 5 years तक comfortably write off कर सकते हैं. आपको चाहिए इसको 5 years से ज्यादा के लिए write off करना है, तो you'll have to give justification. देखो अच्छे से, goodwill arising on amalgamation represent a payment made in anticipation of future income, and it is appropriate to treat it as an asset to be amortized to income on a systematic basis over its useful life. कि goodwill क्या है? goodwill हमने over and above payment किया है, जिसका हमको benefit मिलने वाला है in coming years. तो जितना useful year है, उसके हिसाब से उसको amortize कर सकते हैं. It should be appropriate to amortize goodwill over a period of not exceeding 5 years. It is, you can पहला step लिखेंगे, it can be amortized over its useful life. It is generally suggested you should not amortize it over 5 years. लेकिन अगर आपको लगता है, unless somewhat longer period can be justified. अगर आप longer period justify कर सकते हैं, तो longer period justify करके आप write off करो लंबे समय तक. उसके बाद में लिखा है, the following factors are to be taken into account in estimating the useful life of goodwill. अब अगर आपको लगता है हमें useful life को estimate कैसे करें? अगर आप सीधा 5 years का answer दे दोगे, तो ये point ही नहीं आएगा ना. हो सकता है कुछ केस में आप 2 years तक ही उसको use कर सकते हो. तो आप estimated life, useful life estimate कैसे करेंगे? ये 5 point को देखो. द फोर्सिएबल लाइफ ऑफ द बिजनेस इंडस्ट्री, ये बिजनेस इंडस्ट्री की लाइफ कितनी है, पूरे बिजनेस की लाइफ कितनी है. अरे कुछ केसेस में बिजनेस की लाइफ कम है, कोविड वैक्सीन उसकी लाइफ ही 2 ईयर से बिजनेस की. आपने अगर मान लीजिए किसी कोविड की अपने पुणे की कंपनी, उसका नाम क्या है,
सीरम, सीरम इंस्टीट्यूट पूनावाला की कंपनी थी, सीरम इंस्टीट्यूट को अक्वायर कर रहा है कोई, उसको बहुत हेफ्टी प्राइस पे अक्वायर कर रहा है, वहां पे गुडविल रिकॉर्ड कर रहा है ओवर नेक्स्ट 10 ईयर्स। सीरम इंस्टीट्यूट का गुडविल 10 साल उनको शायद काम ही नहीं आएगा ना, उनको काम आने वाला है शायद वो सिर्फ वो डिवीजन अक्वायर कर रहे हैं जिसने कोविड वैक्सीन बनाया, सिर्फ 2 साल ही काम आने वाला है। तो जो भी गुडविल आपने हेफ्टी प्राइस पे किया उसको 2 साल में प्रॉफिट कमा के आपको सेट ऑफ करना पड़ेगा। तो यू विल सी कि ये जो बिजनेस है यही कितने लंबे समय का बिजनेस है, ये इंडस्ट्री कितना चलने वाली है, पहला। दूसरा, द इफेक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्सोलेंस चेंज इन डिमांड एंड अदर इकोनॉमिक फैक्टर। एक नॉर्मल प्रोडक्ट है, आपको लगता है प्रोडक्ट का ऑब्सोलीट कब हो जाएगा, प्रोडक्ट यूजफुल ही नहीं रहेगा। जब तक आपको लगता है प्रोडक्ट चलेगा तब तक के लिए आप क्या कर सकते हो, उनकी गुडविल को अक्वायर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी इंडिया में जो कि डीजल कार मैन्युफैक्चर करती है, सिर्फ डीजल कार ही मैन्युफैक्चर करती है, अब आप उसको बहुत ओवर प्राइस पे अक्वायर करते हो, अब आपको देखना है प्रोडक्ट शायद 4 साल बाद ऑब्सोलीट हो जाएगा, 4 साल बाद डीजल कार बैन हो जाएगी। अगर ऐसा हो जाता है तो जो भी गुडविल है उसको 4 साल में अमोर्टाइज करो, तो वो प्रोडक्ट कब ऑब्सोलीट हो जाएगा, फटाफट से देखते हैं। सेकंड, सर्विस लाइफ एक्सपेंडेंसी ऑफ की इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ एम्प्लॉई। अगर वो बिजनेस बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है अपने की इंडिविजुअल्स के ऊपर, एम्प्लॉइज के ऊपर, तो एम्प्लॉइज कितने समय तक आपके साथ रहने वाले हैं। एक्सपेक्टेड एक्शन बाय कॉम्पिटिटर और पोटेंशियल कॉम्पिटिटर, क्या आपके कॉम्पिटिटर इसके अगेंस्ट क्या एक्शन लेने वाले हैं, ये भी ध्यान रखो। टू विजन, टू हैव अ विजन ऑफ योर यूजफुल लाइफ। एंड लास्ट, लीगल रेगुलेटरी और कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोविजन इफेक्टिंग द यूजफुल लाइफ, के कोई कॉन्ट्रेक्चुअल रेगुलेशन भी हो सकते हैं कि इस टेन्योर के बाद तो ये जो आपने आईपीआर अक्वायर किया ये आपको पब्लिसाइज करना है, सब लोग यूज करने वाले हैं, तो जो भी आपको अमोर्टाइज करना है उसके पहले ही कर लो। तो जो भी फैक्टर्स हैं ये 5 चीजों का आप ध्यान रखते हुए डिसाइड करेंगे कि आपकी यूजफुल लाइफ क्या है। अगर आपसे पूछा जाता है गुडविल का प्रोविजन क्या है, तो आप सीधा ये नहीं बोलेंगे यूजफुल 5 ईयर्स, आप बोलेंगे कि गुडविल एक ऐसा अमाउंट हम पे करते हैं जिसको हम बेनिफिट मिलने वाला है ओवर सम फ्यूचर पीरियड, तो गुडविल को हम अमोर्टाइज करेंगे ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। जनरली यू शुड नॉट अमोर्टाइज इट फॉर मोर देन 5 ईयर्स अनलेस यू हैव सम जस्टिफाइड रीजन। अब ये यूजफुल लाइफ कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो ये 4-5 पॉइंट्स का ध्यान रखते हुए यूजफुल लाइफ को कैलकुलेट करेंगे। लाइफ इज वेरी इजी अगेन, यस। उसके बाद में आता है वॉट आर द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट पोस्ट अमालगमेशन अंडर AS 14। AS 14 में अमालगमेशन के तुरंत बाद आपको क्या क्या डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे। अब समझो क्या कह रहे हैं, अमालगमेशन हो गया, अब हम बैलेंस शीट को मर्ज कर रहे हैं एज पर परचेज मेथड, एज पर मर्जर वाला पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, अब क्या क्या डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे। तो इनका कहना है कि जब भी आपका अमालगमेशन होगा आपको ये सारे डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे अपने फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। देखना क्या कह रहे हैं, ये डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे इन द फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आफ्टर द अमलगमेशन। जैसे ही अमलगमेशन हुआ उसके बाद जो पहले स्टेटमेंट बनाए उसके अंदर आपको सारे डिस्क्लोजर देने, जैसे कि नेम एंड जनरल नेचर ऑफ बिजनेस। अमलगमेटिंग कंपनी का बिजनेस क्या होने वाला है, पहले हमारा एक्स बिजनेस था अब हमारा एक्स और वाई बिजनेस है वो बताएंगे। इफेक्टिव डेट ऑफ अमलगमेशन फॉर अकाउंटिंग पर्पस, जनरली ईयर एंड रखा जाता है इसको। द मेथड ऑफ अकाउंटिंग, हमने कौन सा मेथड यूज किया, परचेज यूज किया, मर्जर यूज किया, पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट यूज किया। द पर्टिकुलर ऑफ स्कीम, ये स्कीम क्या थी हमारे अमलगमेशन की, शेयर एक्सचेंज रेशियो वगैरह। तो ये बेसिक चीजें हमें पहली बैलेंस शीट जो बन रहे हैं, पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं पोस्ट अमलगमेशन, उसमें डिस्क्लोज करने, वेरी ऑब्वियस। उसके बाद में अगर आपका पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड है तो ये 2 एडिशनल चीज बताओगे, अगर आपका परचेज मेथड है तो ये 2 एडिशनल चीज बताओगे। अरे मैं आपको बता रहा हूं दोनों सेम ही है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस टेक्निकल डिफरेंस है। द डिस्क्रिप्शन एंड नंबर ऑफ शेयर्स इशूड टुगेदर विद द परसेंटेज ऑफ ईच कंपनीज इक्विटी शेयर्स एक्सचेंज टू इफेक्ट द अमलगमेशन, आपको बताना है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में कैसा चेंज आया, कितने शेयर्स इशू किए, ये भी आपको डिस्क्लोज करना है। तो ये 1, 2, 3, 4 ये 4 चीजें तो लिखनी है कि बिजनेस में क्या चेंज हुआ, स्कीम क्या थी हमारी, कौन सा मेथड यूज किया। उसके बाद में अगर आपका पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड है तो ये हो जाएगा 5, 4, 6, ये 6 चीजें बतानी है। अगर आपका पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड नहीं है और परचेज मेथड है तो आपका ये हो जाएगा 5, 4, 6, ये 2 चीजें और बतानी है। तो पहला हो गया शेयर एक्सचेंज रेशियो वगैरह, यहाँ पे कंसिडरेशन फॉर द अमलगमेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंसिडरेशन पेड और कंटिजेंसी पेबल, सेम ही तो लिखा है ऊपर, बस एक्सप्रेसली लिखा है शेयर कितने पे किए और यहाँ पे लिखा है कंसिडरेशन कितने पे किए। क्यों लिखा है ऐसा, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है, देन सारे शेयर होल्डर्स हैव टू बी पेड इन शेयर्स, लेकिन यहां पे तो कंडीशन फॉलो नहीं कर रहे हैं तो हम किसी और मेथड से भी पे कर सकते हैं। तो यहां पे लिखा है बताओ अबाउट कंसिडरेशन पेबल और परचेज, और जो हमारा मर्जर मेथड है वहां पे लिखा है बताओ शेयर एक्सचेंज रेशियो कैसा रहा। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट, पॉइंट तो सेम ही है बस उसका अलग अलग टेक्निकल डिफरेंस बन जाता है। दूसरा, द अमाउंट ऑफ एनी डिफरेंस बिटवीन द कंसिडरिंग द वैल्यू ऑफ नेट इंडिवेजुअल एसेट्स अक्वायर्ड एंड द ट्रीटमेंट देयर ऑफ, कि जो डिफरेंस हुआ उसका ट्रीटमेंट क्या किया, और यहां पे भी सेम, द अमाउंट ऑफ एनी डिफरेंस बिटवीन द कंसिडरेशन द वैल्यू ऑफ नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स अक्वायर्ड एंड द ट्रीटमेंट देयर ऑफ इंक्लूडिंग द पीरियड ऑफ अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, क्योंकि अगर ये परचेज मेथड है तो उसमें गुडविल भी आ सकता है ना, तो हमें लिखना है कि क्या डिफरेंस रहा था और डिफरेंस का हमने ट्रीटमेंट क्या किया इन केस ऑफ मर्जर, और परचेज है डिफरेंस क्या था, डिफरेंस का ट्रीटमेंट क्या किया, और अगर गुडविल क्रिएट हुई तो उसको कितने साल तक अमोर्टाइज करने वाले हैं। पॉइंट सेम है बस माइनर टेक्निकल डिफरेंस है। तो ये हो गया कि आपको क्या डिस्क्लोजर देना है पहली
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर पोस्ट अमलगमेशन। और इसके बाद मैंने छोटी सी चीज बोली है, वॉट इफ अमलगमेशन इज डन आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, कि अगर हमने अमलगमेशन ईयर एंड ईयर बिगनिंग पे नहीं किया, बीच में कभी किया, तो क्या होगा? देन इफ द अमलगमेशन इज अफेक्टेड आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, डिस्क्लोजर विल बी मेड एज पर AS4। आपको AS4 के डिस्क्लोजर्स भी देने पड़ेंगे, AS4 के डिस्क्लोजर्स भी देने पड़ेंगे। चलो ये हो गया। इसके बाद में दुनिया चेंज होकर आ जाती है इंड AS 103। अब कुछ वापस इजी क्वेश्चन आते हैं। हाउ इज अकाउंटिंग डन फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन फॉर कॉमनली कंट्रोल बिजनेस एक्विजिशन अंडर इंड AS 103, कि कॉमनली कंट्रोल बिजनेस एक्विजिशन के लिए अकाउंटिंग कैसे करते हैं? सीधे चार पॉइंट में करते हैं, तीन तो सेम ही हमने कॉपी पेस्ट किए थे। दैट बुक्स असेट्स एंड लायबिलिटी विल बी रिकॉर्डेड एज पर बुक वैल्यू, रिटेन अर्निंग विल बी ऑल्सो एडेड, ऑल द रिजर्व्स विल ऑल्सो बी कैरीड। सही है। फोर्थ पॉइंट अलग था, that the difference will be charged to capital reserve or goodwill. So if the consideration paid is in excess of the share capital of transferor company, pooling of interest method, na, share capital of transferor company, then the difference will be treated as goodwill. If the consideration paid is less than the share capital of transferor company, then the difference will be treated as capital reserve. Are we understanding? Easy. दूसरा, हाउ इज अकाउंटिंग डन फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन डन फॉर एक्विजिशन मेथड अंडर AS 103। एक्विजिशन मेथड के लिए कैसा होगा? फाइव स्टेप प्रोसीजर, देखो खुद से बोलो। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अक्वायरर, आइडेंटिफिकेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ एक्विजिशन डेट, आइडेंटिफिकेशन एंड मेजरमेंट ऑफ कंसिडरेशन जो भी हम पे कर रहे हैं टू ट्रांसफरर, डिटर्मिनेशन एंड मेजरमेंट ऑफ असेट्स लाइबिलिटीज एंड नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, एंड लास्ट इन सब के बेस पे डिटर्मिनेशन एंड मेजरमेंट ऑफ गुडविल और गेन ऑन बार्गेन परचेस। काफी आसान। उसके बाद में एक फुद्दू सा टॉपिक, क्या है ये बिजनेस, आखिर धंधा क्या होता है? इनपुट प्रोसेस आउटपुट, ज्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं हम लोग। सो व्हाट इज बिजनेस एंड बिजनेस कॉम्बिनेशन एज पर इंड AS 103? बिजनेस कंसिस्ट ऑफ इनपुट and process apply to those input and they have the ability to create output. Bahut zabardast. Input, process, output. Ganne ki machine. Thus, ganne ke ras ki machine. Thus, a business has three component. Whoa. Input, process and output. Business combination refers to the act of bringing together separate entities or businesses into one reporting unit. Business combination ka logic yehi hai ki jo alag alag reporting unit the unko mila ke ab ek reporting unit bana rahe hain. Kuch khas nahi tha, easy question. How to identify the acquirer as per Ind AS 103? अभी ध्यान से कि हमें acquirer को identify कैसे करना है as per Ind AS 103. Acquirer is the entity that obtains control of business. एकदम आसान भाषा में acquirer वो entity है जो business का control obtain कर रहा है, ठीक है साहब? Acquire as per Ind AS 110, सब ठीक है ना? आवाज अच्छे से आ रही है? कोई परेशानी नहीं? चलो, एज पर इंड AS 110, समझना, हम लोग जो अभी तक देख रहे थे वो था इंड AS 103। जाने वाला है क्या? सुनो, आई थिंक क्या हो रहा है, जाने वाला नहीं है, लेकिन जब मैं ऐसे पकड़ लेता हूँ तो आवाज थोड़ी अलग आ रही है बस, ठीक है? तो आप घबराओ मत बिल्कुल, ठीक है? चलो, इस माइक की अच्छी बात यह है कि ये ऐसे थोड़ा थोड़ा अटक अटक के नहीं जाता, ये एक सेकंड में पूरा जाना चला जाएगा। नॉर्मल माइक में क्या हो, थोड़ा सा अटकता है, तो इसमें वो गो मतलब एक सेकंड में जाएगा पूरा, ठीक है? हम लोग ज़्यादा डिटेल एग्जांपल के साथ नहीं समझाता हूँ कैसे जाएगा, बट आप टॉपिक पे रहो। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई द अक्वायरर एज पर इंड AS 103। इंड AS 103 के हिसाब से अक्वायरर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अक्वायरर इज द एंटिटी दैट ऑब्टेन्स कंट्रोल, सर समझता है हमको। आगे, एज पर इंड AS 110, अभी दूसरे इंड AS का रेफरेंस ले रहे हैं, 110 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एन इन्वेस्टर कंट्रोल्स एन इन्वेस्टी, एक इन्वेस्टर का इन्वेस्टी पे कंट्रोल माना जाता है, इफ एंड ओनली इफ इन्वेस्टर हैज ऑल द फॉलोइंग, अगर उसके पास ये तीनों है तो ये माना जाएगा कि उसका कंट्रोल है, वो अक्वायरर है एज पर इंड AS 110। पावर ओवर इन्वेस्टी, इन्वेस्टी पे पावर है, एक्सपोजर और राइट टू वेरिएबल रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टी, कि इन्वेस्टी से हमें वेरिएबल रिटर्न, उसका मतलब रिस्क है कि हमारा भाई थोड़ा रिस्क भी है, रिस्क भी एक्सपोजर है, वेरिएबल रिटर्न मिलेगा। एंड लास्ट, द अबिलिटी टू यूज इट्स पावर ओवर द इन्वेस्टर टू इफेक्ट द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टर्स रिटर्न, कि हमारे इन्वेस्टर के रिटर्न कितना आने वाले हैं उसके ऊपर हम डिसीजन लेने की पावर हमारे पास में है, हम उसको चेंज भी करा सकते हैं, कौन सा बिजनेस लॉन्च करना है कौन सा नहीं करना है ये सब हमारे कंट्रोल में है। ये तीन फैक्टर्स कहता है इंड AS 110। इंड AS 110 कहता है कि अगर ये तीन फैक्टर्स हैं तो उस केस के अंदर आपके पास पावर है, पावर ओवर ऑफ द इन्वेस्टिंग कंपनी, यू गॉट एक्सपोजर टू वेरिएबल रिटर्न्स, एंड थर्ड यू कैन चेंज द रिटर्न। सबसे पहला आपका पावर है,
एक्सपोजर है रिटर्न का, और ये पावर है कि आप रिटर्न को चेंज कर सकते हो. 1, 2 और 3 कैसे कनेक्ट हो रहे समझ में आ रहा है? यू हैव द पावर ऑफ द ओवर द कंपनी, योर रिटर्न इज वेरिएबल एंड योर यू कैन यूज योर पावर टू चेंज द रिटर्न. आपके पास कंट्रोल है कि आप अच्छे से दिमाग लगाओगे कंपनी चलाओगे तो कंपनी बेहतर रिटर्न देगी, देन यू विल बी टर्म्ड एज अक्वायरर. मुकेश अंबानी को हम अक्वायरर बोल सकते हैं, हाँ उनके पास रिलायंस के ऊपर पावर है, उनका एक्सपोजर है रिलायंस में, 50% शेयर्स तो उन्हीं के पास हैं, उनका एक्सपोजर है वेरिएबल रिटर्न्स पे, और वो अपनी पावर को यूज करके रिटर्न को चेंज करने की ताकत रखते हैं, बिजनेस में बेटर डिसीजंस लेंगे तो वो आगे से आगे बढ़ सकते हैं. रिलायंस वॉज इन टू टेक्सटाइल्स वन डे एंड नाउ रिलायंस इज इन टू एवरी पॉसिबल बिजनेस ऑन अर्थ. तो ये उनके डिसीजन ही तो है जो उनको यहां तक लेकर आए हैं, सिंपल. चले उसके बाद में आते हैं. वेन इट इज नॉट क्लियर फ्रॉम इंडेस 110 से भी क्लियर ही नहीं हो पा रहा है, द फॉलोइंग फैक्टर्स शुड बी कंसिडर्ड एज पर इंडेस 103. अभी क्या कर रहे हैं, आगे से आगे मदद लेते जा रहे हैं कि इंडेस 103 बोल रहा था कि अक्वायरर कौन है, बताओ. इंडेस 110 आया, बोला कि ये तीनों फैक्टर हैं, यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर लोगे अक्वायरर कौन है. ठीक है साहब, नहीं मिल रहे इंडेस 103 वाला, हम देखते हैं हमारा, रहने दो. वापस 103 के हिसाब से आए कि 103 के अंदर आप इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रख सकते हो, ये एग्जाम्पल है. ये क्या बता रहे हैं कि ये देखो, ये देखो, ये भी देखो, इन फैक्टर्स से भी आप ध्यान रख सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो अक्वायरर कौन है. Acquirer is usually the entity that transfers the cash. भैया जो पैसे दे रहा है वो acquirer है, normal चीज. दूसरा, in a business combination affected primarily by exchanging equity shares, acquirer is usually the entity that issues its equity interest. Acquirer is the person जो company को acquire करने के लिए या तो cash दे रहा है, और अगर आपका acquisition ऐसा है जिसमें cash नहीं shares दे रहे हैं, तो acquirer is the person जो shares issue कर रहा है. ठीक है, next, acquirer is usually the entity whose owners have the ability to elect or appoint or remove a majority of members of the governing body. Acquirer वो है जिसके पास acquiring company के directors को remove करने का power होगा, governing body को change करने का power है, और हर एक word के आगे इन्होंने क्या use किया है, usually. देखना यहाँ पे ज़्यादातर जगह आपको usually मिल जाएगा, usually. तो usually आपको easily मिलेगा, because ये सब general factor बता रहे हैं कि जो cash दे रहा है वो acquirer है, जो shares दे रहा है वो acquirer है, जो company के अंदर directors को remove करने की power रखता है वो acquirer है. The acquirer is usually the combining entity whose management dominates the management of the combined entity. के मान लीजिए A limited और B limited merge हो रहे हैं, Vodafone और Idea merge हो रहा है, लेकिन Vodafone का management is able to dominate, तो Vodafone will be considered as acquirer. अरे किसी एक को acquirer मानना जरूरी है, PVR INOX, किसी को तो acquirer मानना होगा, अब कैसे माने, confusion हो रहा है. तो इनका कहना है shares कौन दे रहा है, PVR दे रहा है वो acquirer है, cash कौन दे रहा है, PVR दे रहा है वो acquirer है, किसका management ज़्यादा dominating control करने वाला है बाद में after the amalgamation, PVR वो acquirer है. ऐसे आप determine करो अगर confusion हो रहा है तो. Next, it is usually the combining entity that pays a premium over the pre-combination fair value of the equity interest. के आपके shares को acquire करने के लिए जिसने premium pay किया है वो acquirer है. The acquirer is usually the combining entity whose relative size is greater. सर कुछ नहीं समझ में आ रहा, चलो PVR का वर्थ कितना था, INOX का वर्थ कितना था, सर ये 2000 करोड़, ये 1500 करोड़, 2000 करोड़ वाला acquirer. ये जनरल बात बता रहे हैं कि इस बेस पे आप डिटर्मिन कर लो acquirer कौन है. सो इफ आई आस्क द क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन, हाउ डू डिटर्मिन द acquirer एज पर इंडिया 103, तो सबसे पहले आप बोलोगे नॉर्मल आंसर, acquirer refers to an entity who has the control. सिंपल आंसर, हु हैज द कंट्रोल. सर इससे समझ में, इससे नहीं हो रहा. सेकंड पॉइंट, एज पर AS 110 है ना, एज पर इंडिया 110 कंसोलिडेशन, दीज थ्री पॉइंट्स इफ एनीवन हैज दैट पर्सन इज द अक्वायरर. फिर लिख दो, जिसके पास में पावर है इन्वेस्टी के ऊपर, जिसका रिटर्न वेरिएबल है, जो अपनी पावर को यूज करके रिटर्न को चेंज कर सकता है. अगर इंडेस 10 से भी आप अक्वायरर को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, तो इंडेस 103 कहता है वापस कि देर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो विच यू कैन चेक. जैसे इंडेस 110 इज सो क्लियर, ये तीन पॉइंट होने चाहिए, ऐसा नहीं है इंडेस 103 में. अब ये पॉइंट भी देख लो, जो यूजुअली कैश दे रहा है वो अक्वायरर है, जो यूजुअली शेयर्स इशू कर रहा है वो अक्वायरर है, जो यूजुअली इलेक्ट करने की पावर रख रहा है डायरेक्टर को वो अक्वायरर है, जो यूजुअली जिसका मैनेजमेंट डोमिनेट करेगा वो अक्वायरर है, जो प्रीमियम पे कर रहा है वो अक्वायरर है, अरे जो बड़ा है वो अक्वायरर है. इन्होंने आसान भाषा में कह दिया. आर वी गेटिंग अ फेयर आइडिया? सिंपल, ये पॉइंट्स आर जनरल इन नेचर, ये पॉइंट्स आर स्पेसिफिक इन नेचर. आर वी अंडरस्टैंडिंग? सिंपल. तो हु इज द अक्वायरर? दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द अक्वायरर. टिंग टिंग टिंग. उसके बाद में आता है, व्हाट इज नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एंड हाउ इज इट कैलकुलेटेड अंडर इंडेस 103? नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट क्या होता है, उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है? साहेब, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इज द पोर्शन ऑफ इक्विटी ओनरशिप इन अ सब्सिडरी नॉट अट्रीब्यूटेबल टू पेरेंट कंपनी हु हैज कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एंड कंसोलिडेट्स द सब्सिडरी फाइनेंशियल रिजल्ट विद इट्स ओन. अच्छे से समझो, ए लिमिटेड इज द
होल्डिंग कंपनी ऑफ बी लिमिटेड, ए लिमिटेड के पास में दो फीचर होने चाहिए। पहला फीचर यह होना चाहिए कि ए लिमिटेड का क्या है, कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है, मतलब 51 मान लेते हैं हम, कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है, और दूसरा वो कंसोलिडेट करता है बी लिमिटेड को अपने बुक्स के साथ। कंसोलिडेशन में आपको अपने सब्सिडियरी के बुक्स को कंसोलिडेट करना पड़ता है। क्या ये दो फीचर ए लिमिटेड के पास है? हाँ है। तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट क्या है? ए लिमिटेड के पास अगर इस कंपनी के 65% शेयर हैं तो बचे हुए 35% किसके पास हैं? ये जिसके भी पास हैं, ए नहीं नाम लिखता, ये मान लो इसको नाम दे देता हूं मैं एम, ये एम के पास हैं, ये हो गया नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। कंट्रोलिंग इंटरेस्ट मेरे पास है, बचता कितना है उसे कहते हैं नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट विच इज हेल्ड बाय पर्सन अदर देन उस हैविंग द कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। जिसके पास कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है उसके अलावा जो व्यक्ति होल्ड करता है उस इंटरेस्ट को कहते हैं नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। तो इसके अंदर कंट्रोलिंग इंटरेस्ट वाले के पास दो चीजें फीचर होनी चाहिए, पहला तो जैसे उसका कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है, सेकंड वो कंसोलिडेट करता है। तो आसान भाषा में अगर एक कंपनी के अंदर द अदर कंपनी हैज कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एंड कंसोलिडेट इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स, देन एनी अदर पर्सन हु हैज इंटरेस्ट इन दैट कंपनी, दैट इंटरेस्ट इज टर्म्ड एज नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। वापस एक बार रीड करेंगे, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इज द पोर्शन ऑफ इक्विटी ओनरशिप इन अ सब्सिडरी, द पोर्शन ऑफ इक्विटी ओनरशिप इन अ सब्सिडरी। आगे क्या लिखा है? नॉट एट्रीब्यूटेबल टू द पेरेंट कंपनी। अ पोर्शन ऑफ इक्विटी ओनरशिप, दिस पोर्शन, अ पोर्शन ऑफ इक्विटी ओनरशिप इन द कंपनी विच इज नॉट एट्रीब्यूटेबल टू द पेरेंट कंपनी हु हैज कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एंड कंसोलिडेट। ऐसा पेरेंट कंपनी इसके कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है जो कंसोलिडेट करता है, उसके अलावा जो कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है, उसके अलावा जिस व्यक्ति का जो इंटरेस्ट है उसे कहेंगे नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। समटाइम्स एन अक्वायरर विल बी एबल टू मेजर द फेयर वैल्यू ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ अ कोटेड प्राइस इन एक्टिव मार्केट। सर ये 35% का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ये कैसे निकालेंगे? ये आप निकाल लो मस्ती से, अगर ये बी लिमिटेड लिस्टेड है तो इसका कोटेड प्राइस आ जाएगा ना। कोटेड प्राइस का मतलब होता है मार्केट प्राइस, जो उस समय पे कोट कर रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज पे। तो अगर वो कंपनी लिस्टेड है तो कोटेड प्राइस ले लो। सर अगर लिस्टेड नहीं है, इफ अ कोटेड प्राइस इन द एक्टिव मार्केट इज नॉट अवेलेबल, इन दो सिचुएशन अक्वायरर वुड मेजर द फेयर वैल्यू यूजिंग वैल्यूएशन टेक्निक्स। आप वैल्यूएशन टेक्निक से मेजर कर लो। क्वेश्चन था व्हाट इज नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एंड हाउ इज इट मेजर्ड। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट रिफर्स टू द इंटरेस्ट इन द कंपनी, इन द कंपनी नॉट एट्रीब्यूटेबल टू द पेरेंट कंपनी। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट रिफर्स टू एन इंटरेस्ट इन द कंपनी विच इज नॉट एट्रीब्यूटेबल टू द पेरेंट कंपनी हु हैज कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एंड हु कंसोलिडेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है सर, हाउ डू वी मेजर इट? इफ द कंपनी इज लिस्टेड उसको कैसे लिखते हैं? इफ द प्राइस इज कोटेड देन वील टेक द फेयर वैल्यू, जो प्राइस है मार्केट प्राइस। इफ इट इज नॉट कोटेड देन वील हैव टू यूज वैल्यूएशन पैरामीटर्स। इजी पीजी ओवर। उसके बाद में आता है हाउ विल अकाउंटिंग बी डन If there is step acquisition under Ind AS 103, अगर step acquisition कर रहे हो, आपने पहले 10% acquire किया किसी कंपनी को, अब आपके उसके 10% शेयर थे, उसके दो साल बाद आपने 20% acquire किया, अब आपके 30% शेयर थे, अब उसके आपने 20% और शेयर acquire किए, आपने step acquisition किया, तो valuation कैसे होगा? इनका कहना है, in case an entity acquires an entity step by step through series of purchase, जैसे कि 2011 में 5% acquire किया, 2014 के अंदर 10% और अक्वायर किया, एग्रीगेट हो गया 15%, 2018 के अंदर 20% अक्वायर किया, एग्रीगेट हो गया 35%, और अब जाके 2024 के अंदर आप इसके अंदर 20% स्टेक और अक्वायर कर रहे हो, 55% हो रहा है, और अब आप मर्ज करना चाहते हो इसको, अब आप इसको मर्ज करना चाहते हो। तो अगर ऐसा कुछ है, या फिर अब आप पूरा ही रिमेनिंग जो भी था आपका 65%, अभी 65% अक्वायर करके मर्ज करना चाहते हो, यहां पर 100% हो जाएगा आपका, तो उस केस के अंदर व्हाट अबाउट दीस एक्विजिशन जो आपने पहले किए थे? ऐसे केस को कहा जाता है स्टेप एक्विजिशन। सबको याद आ रहा है अच्छे से? ऐसे केस को कहा जाता है स्टेप एक्विजिशन। इन द केस एन एंटिटी अक्वायर्स एन एंटिटी स्टेप बाय स्टेप थ्रू सीरीज ऑफ परचेज, देन द एक्विजिशन डेट विल बी द डेट ऑन विच द अक्वायरर ऑब्टेन्स कंट्रोल। कि भैया फिर एक्विजिशन डेट याद है, हमारे एक्विजिशन मेथड में वी हैव टू आइडेंटिफाई द एक्विजिशन डेट। तो एक्विजिशन डेट कौन सा होगा? जिस दिन आपने सामने वाली एंटिटी के अंदर कंट्रोल अक्वायर कर लिया था, 2024 में एक्विजिशन होगा मेरे केस में। टिल द टाइम द कंट्रोल इज ऑब्टेन द इन्वेस्टमेंट विल बी अकाउंटेड एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ इंड एएस 109 और इंड एएस 28। सर अभी तक फिर जो शेयर्स खरीदे उसका वैल्यूएशन कैसे होगा? यू विल वैल्यू इट एज पर इंड एएस 109 और इंड एएस
28. तो इन डेज 109, इन डेज 28 के हिसाब से आप उसको रिकॉर्ड करते हुए चलोगे. इफ अ बिजनेस कॉम्बिनेशन अचीव्ड इन स्टेजेस, द अक्वायरर शैल रीमेजर इट्स प्रीवियसली हेल्ड इक्विटी इंटरेस्ट इन द अक्वायरी एट द एक्विजिशन डेट फेयर वैल्यू एंड रिकॉग्नाइज द रिजल्टिंग गेन और लॉस. तो यहाँ पे क्या करते हैं आपको रफली बताऊं तो इन डेज 109 और इन एस 28 के हिसाब से इनको रिकॉर्ड करके रखेंगे. और यहाँ पे जब कंट्रोल आ गया तो वो सबसे पहले देखेंगे कि हमें इनको अभी तक अक्वायर करके रखे थे उस पर कितना गेन हुआ, बिकॉज दैट इज नॉट द गेन ऑन अमलगमेशन, दैट इज द गेन ऑन इन्वेस्टमेंट. एग्जाम्पल, अभी हमारे पास इस कंपनी के 35% शेयर्स हैं. इन 35% शेयर्स को हमने अभी तक अक्वायर करके रखा था एट 120 CR और उनका अभी का मार्केट वैल्यू इज 200 CR. तो 80 करोड़ विल नॉट बी टर्म्ड एज अ गेन ऑन अमलगमेशन कैपिटल रिजर्व, नहीं, इसको मानेंगे हम गेन ऑन इन्वेस्टमेंट, कि इन्वेस्टमेंट का गेन था. और फिर 200 करोड़ के वैल्यूएशन पे यहाँ पे हम ले लेंगे. और अब हम क्या लेंगे, 200 करोड़ के वैल्यूएशन पे लिया और ये आपने कितने में अक्वायर किया, एग्जांपल 600 करोड़ में. तो 800 करोड़ आपका टोटल अमाउंट है जो आपने पे किया है एज अ कंसिडरेशन. और इससे आप कैलकुलेट करोगे कि अमलगमेशन के ऊपर प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है. अब ये सब नहीं है सिलेबस में, इतना सिंपल तरीके से आपको ये पता होना चाहिए सिंपल कि हाउ विल यू अकाउंटिंग बी डन एज अ स्टेप बाय स्टेप एक्विजिशन हुआ है. तो अकाउंटिंग कैसे होगी कि आपका जिस दिन, पहला पॉइंट, जिस दिन कंट्रोल अक्वायर किया उसे माना जाएगा एक्विजिशन डेट, पहला पॉइंट हो गया. दूसरा पॉइंट कि हम अभी तक के सारे इन्वेस्टमेंट को मेजर करके रखेंगे इंड एएस 109 और इंड एएस 28 के हिसाब से, सिंपल एकदम. और उसके बाद में जब हम अमलगमेशन कर रहे हैं पहले हम हमारा गेन ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर लेंगे, फिर हम अमलगमेशन की अकाउंटिंग करेंगे. आपको आइडिया भी समझ में आ रहा है ना, लॉजिकल है, क्योंकि आप अगर यहां पे कंसिडरेशन ले लेते हो 600 करोड़ जो अभी पे किया और 120 करोड़ जो पहले पे किया था, तो वो अमलगमेशन का गेन थोड़ी ना था 80 करोड़, ये तो हमारा इन्वेस्टमेंट का गेन था, उसको आप अमलगमेशन का गेन क्यों मान रहे हो, नहीं चलेगा. तो पहले जिस दिन कंट्रोल लिया आपका जो इन्वेस्टमेंट है उससे आप पहले उसको ले आओ उसके मार्केट वैल्यू पे, और ये जो गेन है दिस इज इन्वेस्टमेंट गेन, इसको अकाउंटिंग कर लो. उसके बाद में 200 करोड़ और अब जो आप पैसे दे रहे हो इसको आप मानो एक कंसिडरेशन पे किया फॉर एक्विजिशन, उसको अमलगमेशन का गेन और प्रॉफिट लो. इतना अकाउंटिंग सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर ये आपको समझ जाता है तो आपको ये याद रखना ईजी हो जाता है. दैट इज द पॉइंट, इसलिए हमने रेगुलर लेक्चर के टाइम पे भी इतना समय दिया था. तो स्टेप बाय स्टेप एक्विजिशन हो रहा है, तो इंड एएस 109 और इंड एएस 28 के हिसाब से हम रिकॉर्ड करके रखेंगे इन्वेस्टमेंट्स को. हम आ रहे हैं आखिरी दो क्वेश्चन के ऊपर, आखिरी दो तीन क्वेश्चन के ऊपर. व्हाट आर द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट फॉलोइंग द बिजनेस कॉम्बिनेशन एज पर इंड एएस 103, जो हमने एएस 14 में पढ़ा था कि जब आपका अमलगमेशन हो गया फिर आपके पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या लिखोगे. यहां पे भी वही है कि जैसे इंड एएस आपका अमलगमेशन हो गया, बिजनेस कॉम्बिनेशन हो गया, फिर इंड एएस 103 में क्या क्या लिखोगे. इनका कहना है कि फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये कुछ चीजें लिखेंगे, देखो कॉपी पेस्ट, नेचर ऑफ बिजनेस, डेट ऑन विच कंट्रोल वॉज ऑप्टेन, डिस्क्रिप्शन एंड नंबर ऑफ शेयर इशूड एंड अमाउंट ऑफ एनी डिफरेंस. वहां पे पहले 1, 2, 3, 4 थे, उसकी जगह यहाँ पे 1, 2, 2 है, और जो वहां पे 5 और 6 था वो यहाँ पे एज इट इज है. ध्यान आ रहा है, वहां पे जो 5th और 6th पॉइंट था वो यही तो था कि हमारा डिफरेंस को कैसे एडजस्ट किया है हमने और हमने कितने शेयर इशू किए, तो ये तो एज इट इज ले लिया, ईजी पीजी. तो बहुत वहां पे जो 6 थे यहाँ पे सिर्फ 4 पॉइंट लिखे हैं. बिजनेस क्या होने वाला है, कंट्रोल किस दिन मिला, वहां पे इफेक्टिव डेट लिखना होता था, यहाँ पे एक्विजिशन डेट लिखेंगे. ये हमने याद है रीसेंट डेवलपमेंट में भी देखा है कि एएस 14 में इंपॉर्टेंस थी इफेक्टिव डेट की, अपॉइंटेड डेट की, यहाँ पे इंपॉर्टेंस है एक्विजिशन डेट की. तो ये सब लिख देंगे. सर इफ द अमलगमेशन इज डन आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, नॉर्मली ईयर एंड पे ही होंगे सारे अमलगमेशन, बट अगर किसी को मस्ती है कि नहीं मुझे बहुत मेहनत करनी है अकाउंटिंग में, पूरा मुझे मिक्स कर देना है, तो फिर क्या, अगर आप ईयर के बीच में कर रहे हो कभी अमलगमेशन, देन यू हैव टू ऑल्सो फॉलो इंड एएस 10. वहां पर भी ऐसा एक एएस याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे भी इंड एएस याद रखना पड़ेगा कि अगर आपने ईयर के बीच में किया है तो इंड एएस 10 के हिसाब से आपको वैल्यूएशन करना पड़ेगा. इफ द बिजनेस कॉम्बिनेशन इज इफेक्टेड आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, डिस्क्लोजर विल बी मेड एज पर इंड एएस 10. एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द लास्ट टू क्वेश्चंस. व्हाट आर द रीसेंट डेवलपमेंट इन M&A. ये हमारा चार्ट 3 था ऑलरेडी कि एएस 14 के अंदर कॉमनली कंट्रोल बिजनेस एंटिटीज भी थे, वो भी गुडविल क्रिएट कर रहे थे, लेकिन इंड एएस 103 में अब वो गुडविल क्रिएट नहीं कर सकते. AS 14 में अपॉइंटेड डेट इफेक्टिव डेट की इंपॉर्टेंस थी, इंड AS 103 में एक्विजिशन डेट की इंपॉर्टेंस है. फिर वापस कॉपी पेस्ट, गुडविल फॉर अकाउंटिंग को अमोर्टाइज कर सकते हैं क्या, AS 14 अमोर्टाइज करने देता था, इंड AS 103 अमोर्टाइज नहीं करने देता है. AS 14 में आपके पास चॉइस थी कॉमनली कंट्रोल बिजनेस एंटिटी की, इंड AS 103 में कोई चॉइस नहीं है, कंपलसरी पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड होगा. उसके बाद में इंडेमनिफिकेशन असेट और इंटेंजिबल असेट को इंड एएस 103 रिकॉर्ड करने का ऑप्शन देता है. और उसके बाद में दो पॉइंट और आते हैं कि अगर शेयर बेस्ड कोई लाइबिलिटी आपकी थी ट्रांसफरर कंपनी की, तो वो बाद में ट्रांसफरी कंपनी के अंदर की जाएगी एज पर इंड एएस 102, अक्वायरी की,
अगर कोई शेयर बेस्ड लाइबिलिटी, अरे इंप्लॉय को ईसॉप ऑफर कर दिया, बोला था 2 साल बाद मिलेगा और 1 साल बाद मर्जर कर लिया, अब इंप्लॉय तो चाहेगा ना भाई मैं 1 साल तक आपकी इंप्लॉयमेंट में हूं, तो आप 1 साल और इंप्लॉयमेंट में रहो इन द न्यू कंपनी, वहां पे आपको मिल जाएगा शेयर बेस्ड बेनिफिट ऐसा। और लास्ट पोस्ट अमलगमेशन असेट्स हेल्ड फॉर सेल, उसको आप सेपरेटली अपने हेड में रखोगे असेट्स फॉर सेल। तो मान लीजिए हमने किसी कंपनी को अक्वायर किया है, उसके सारे फैक्ट्री वगैरह तो हम यूज में ले रहे हैं, लेकिन उसके नहीं कोई बात नहीं संभालो, बाद में बात करते हैं इस बारे में। अगर हमने कोई भी कंपनी को अक्वायर कर लिया, उसके सारे असेट्स फैक्ट्री तो हम यूज में ले रहे हैं, लेकिन उसके कुछ असेट्स हमारे काम के नहीं, उनको हम बेचने वाले हैं, तो हम उसको अपने बुक्स में जबरदस्ती मिक्स ही क्यों करें? अभी मिक्स करोगे फिर बाद में उसको अलग करना पड़ेगा। तो इन सबको एक ही ब्रैकेट बना के रख दो, असेट्स फॉर सेल। और इसको हम वैसे भी इन प्रोबेबली इन द कमिंग ईयर अगली बैलेंस शीट के पहले उसको सेल ऑफ ही कर देंगे। और लास्ट क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन नंबर 15 होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट आर द प्रोविजन इन IFRS 3 बिजनेस कॉम्बिनेशन। तो हिस्ट्री जैसे कि हमको पता है कि पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे इंडिया में और बाहर होते थे IFRS, फिर हमने इंडिया में बनाया इंड एएस और इंड एएस में हमने IFRS के कंसेप्ट को अप्लाई करने की कोशिश की इंडिया के अंदर, तो इंड एएस बने हैं IFRS के बेस पे। अब इसके अंदर अगर पढ़े कैसे, व्हाट आर द प्रोविजन ऑफ IFRS 3, IFRS ऐसे घूर घूर के मत दिखा करो मुझको, ठीक है, एएस पहले से थे, IFRS भारत के बाहर पहले से थे, ठीक है, अब उन्होंने कहा कि उस कंसेप्ट को हम इंडिया में लाना है, तो हमने बनाए इंड एएस, तो इंड एएस में बेस होता है IFRS का। तो अगर पूछा जाएगा कभी भी आपसे कि IFRS 3 क्या कहता है, भाई हम तो ये मानेंगे कि IFRS 3 और इंड एएस सेम है, द प्रिंसिपल्स ऑफ इंड एएस 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड IFRS 3 आर सेम टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट, कि सब कुछ सेम ही है, कि इंड एएस 103 और IFRS 3 आर सेम, बस उसमें 2 डिफरेंस है। There are only few carve out in Ind AS when compared to IFRS 3. They are as follows. पहला, IFRS 3 excludes from its scope business combination of entities under common control. Entities under common control के लिए special accounting नहीं है IFRS में, लेकिन भारत में उन्होंने Ind AS 103 में commonly controlled business entity के लिए separate accounting रखी है। दूसरा, IFRS 3 कहता है कि भले ही आपका जो भी profit loss होता है, जो भी difference आएगा, bargain purchase gain है, तो उसको आप सीधा कहाँ ले जाओगे? P&L अकाउंट में, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पे बार्गेन परचेस का जो गेन है वो जाता है कैपिटल रिजर्व में। तो 2 डिफरेंस है IFRS 3 और Ind AS 103 के अंदर। IFRS 3 पहला पॉइंट ये कहता है कि जो भी कॉमनली कंट्रोल बिजनेस एंटिटी है उसके लिए सेपरेट प्रोविजन IFRS 3 ने नहीं बनाया, Ind AS 103 ने बनाया। IFRS 3 कहता है कि जो भी गेन हुआ है ऑन बार्गेन परचेज उसको सीधा P&L में ले लो, Ind AS 103 कहता है नहीं, हम उसको बनाएंगे कैपिटल रिजर्व। तो ये कुछ डिफरेंस है, अदरवाइज इट्स मोर ऑर लेस द सेम। इफ यू आर एबल टू हैंडल दीज 15 क्वेश्चंस देन यू सुपर सॉर्टेड, देयर इज नथिंग एल्स दैट यू हैव टू वर्क। हाउ शुड वन बी स्टडिंग दिस पर्टिकुलर चैप्टर, ये चैप्टर उठाया सबसे पहले हमने समरी से हमारा देख लिया आराम से, ये जो आपका रिविजन है ये आपने देख लिया, फिर एक बार नोट्स की चाहिए तो पूरी रीडिंग ले ली, वो भी ऑप्शनल है इस चैप्टर में, मन है तो ली, फिर आए इन नोट्स के ऊपर और ये नोट्स पूरे के पूरे अच्छे से कंठस्थ कर लिया, यू आर सुपर सॉर्टेड। दिस इज अनदर वन ऑफ दो चैप्टर जिसको आप पढ़ेंगे टाइमर लगा के, 1 आवर का टाइमर लगाना है रिविजन वीडियो देखने के अलावा, रिविजन वीडियो के टाइम को इंक्लूड नहीं करते, खुद बैठ के पढ़ना है, 1 आवर का टाइमर लगाना है और 1 आवर में ये चैप्टर हो जाना चाहिए। दिस चैप्टर एंड टैक्सेशन का चैप्टर, ये 2 ऐसे चैप्टर हैं जो जिस स्टूडेंट को पढ़ने के लिए बैठता है वो 2-3-4-5 घंटे लगा देगा और उसका आउटपुट शून्य निकालेगा। तो रेगुलर लेक्चर्स में हमने बहुत ज्यादा टाइम दिया इन चैप्टर्स पे, अच्छे से समझ लिया, अब सेल्फ स्टडी में हर बार जब आप पढ़ने बैठते हो 1 आवर के टाइमर के साथ पढ़ना, 100% आपका एकदम इफेक्टिव स्टडी रहेगा और वो आपने अपनी हैबिट बनाई तब होगा, अदरवाइज एग्जाम के एक दिन पहले इसको लेके बैठ जाओगे और आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो 1 आवर का टाइमर लगा के पढ़ोगे तब आप एग्जाम के दिन पहले शायद आधे घंटे में इस चैप्टर को पढ़ पाओगे। चलो दैट विल फॉर दिस सेशन, खेल कूद ऐश करो, एंड आई एम गोना सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर। या बाय।